नहीं कर रहे हैं अकलियतों के लिए है, कांग्रेस सबके लिए है, आपके लिए भी कांग्रेस है, हाँ सबको लेकर कांग्रेस सबको लेकर। आपको क्या लगता है आज की बैठक के बाद क्या निर्णय लेंगे? आलोकमान से पूछिए हमसे, क्यों पूछ रहे हैं आप? समीक्षा की बैठक में आपके विधायकों को समीक्षा में आप देखिए आप लोग चाल क्यों रहे, समीक्षा में कौन अच्छा किया कौन बुरा किया इसके लिए समीक्षा है? अब मंगत्री बस लेके आओ, अब संख्या का कोटा है, कौन बड़ी बात है? आप लोग हाईजेक कर रहे हैं, जब उसके हवा बना रहे हैं आप लोग, जिसका कोटा उसी को मिलेगा। अब ये जो अखिलेश का कोटा उसको आप लोग ये दावेदार ऐसा क्या है? अखिलेश में एक ही दावेदार जो आलाकमान समझेगा, और तो बाई डिफॉल्ट है उसमें एकदम नाम डाल रहे हैं, इसका है उसका है, क्या है ये सब? अच्छा नहीं लगता, आप बताइए देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया, इस पर आपको डिबेट करना चाहिए। अब बताइए 40 करोड़ मुसलमान, एक भी आपने मंत्री नहीं बनाया देश में, क्यों? नीतीश कुमार नाराज हैं, नायडू जी को पब्लिक गाली गलौज कर रहा है वहाँ, संविधान सबको अधिकार दिया है। लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस के नव निर्वाचित सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि सीडब्ल्यूसी मीटिंग में राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे, हमें जो जनादेश मिला है हम उसके साथ चलेंगे, विधानसभा चुनाव के लिए हम पूरी मेहनत से लड़ेंगे, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि राज्य में आगामी सरकार भी हमारी ही बनेगी। निश्चित रूप से सीडब्ल्यूसी के जो मीटिंग में आपने देखा होगा कि राहुल जी ने कहा कि अपने हम विचारधारा से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जो हमें जनादेश मिला है उसके साथ हम चलेंगे। और ये हम कह सकते हैं जो संविधान बचाने के लोकतंत्र बचाने के जो लोकतांत्रिक पद्धति के साथ जो संवैधानिक संस्थानों का जिस प्रकार अपहरण किया गया था मोदी सरकार के द्वारा, वो हम कैसे रोक पाए एक, और उन परंपराओं का संसदीय परंपराओं लोकतांत्रिक परंपराओं को उन्हें कैसे सशक्त बनाए, ये हमारी प्रायोरिटी में है एक। दूसरी बात क्षेत्र की जो प्रायोरिटी है, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त हर वर्गों से उन्होंने विचार विमर्श करने के बाद उनसे इंटरेक्ट करने के बाद गारंटी पत्र उन्होंने बनाया, हमारा भी प्रयास कर उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के अपने क्षेत्र के तमाम लोगों साथ, चाहे युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, श्रमिक वर्ग हो, चाहे अलग अलग रिलीजियस सेक्टर के लोग हैं, जो धार्मिक सेक्टर के लोग हैं, उनको उनकी उनको जो संविधान में जो प्रोटेक्शन मिला है उसको हम कैसे बेहतर करें, उनको लाभ उसका दिलाएं। रोहिणी आचार्य का सीएम नीतीश पर बड़ा बयान सामने आया है, नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं, ये बात रोहिणी आचार्य की ओर से कही गई, देखते हैं कब आते हैं आशीर्वाद देने, ये बात रोहिणी आचार्य की ओर से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य ने राजीव प्रताप रूडी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो राजीव प्रताप रूडी पर जहां एक और निशाना साधा गया, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार को लेकर के भी उन्होंने अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा कि हमारे अभिभावक हैं और अब देखना यह है कि आशीर्वाद देने वो कब आते हैं। तो वही तो हम बोल रहे हैं, रूडी जी बताएंगे ना, गोलियां चलती है चलती रहेंगी, तो रूडी जी से जवाब मांगिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया रोहिणी जी, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला है, इससे क्या कहिएगा? देख लीजिए, सच्चाई सामने आ गया ना, यही ना विपक्ष बोलता था, जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे, जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ? ठंडन गोपाल बना दिया ना फिर से जनता को, कुछ नहीं दिया बिहार को। तेजस्वी कह रहे झुनझुना थमा दिया गया है, तो सही बात बोल रहा है ना, तो ये तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया गया, आ करके चुनाव में फिर से झांसा दे करके गए थे, फिर से वही झांसा बाजी जुमला बाजी हो गया। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब बिहार की नीतीश सरकार भी एक्शन में आ गई है। बिहार में नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है, सभी जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पटना का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, तो दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को दो जिलों का प्रभारी बनाया गया, उन्हें मुजफ्फरपुर और भोजपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही विजय कुमार चौधरी को पूर्णिया और नालंदा का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही विजेंद्र प्रसाद यादव वैशाली, प्रेम कुमार को नवादा, श्रवण कुमार समस्तीपुर और मधेपुरा, संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, मंगल पांडे को दरभंगा और बेगूसराय, नीरज कुमार सिंह को कटिहार, अशोक चौधरी को सीतामढ़ी और जहानाबाद का प्रभारी मंत्री बनाया गया है।
और बक्सर लोकसभा सीट पर विजयी होने के बाद नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह ने रामगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान खुले मंच से केंद्र सरकार को लेकर के भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि ये एनडीए की ढीली ढाली सरकार 5 साल तक चलने वाली नहीं है। आरजेडी सांसद ने कहा है कि आप लोग चौंकिएगा मत, क्योंकि आने वाले 8 से 12 महीने के भीतर देश में नई सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में 2 दिन रुका और इस दौरान दर्जनों मीडिया ने मेरा इंटरव्यू लिया, लेकिन किसी भी चैनल पर मेरी आवाज को दिखाया नहीं गया। आप लोग देखेंगे कि जब जुलाई में सदन चलेगा तो डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इस देश की सरकार को चंद दिनों में ही मेरे जैसे नौजवान सांसद सरकार को घुटने पर ला देंगे। अगले जुलाई में आप देखेंगे जब सदन चलेगा तो डंके के चोट पर मैं कह रहा हूं कि देश की सरकार को चंद दिनों में ही मेरे जैसे नौजवान सांसद देश में चुन के आए हैं इंडिया गठबंधन के, हम लोग भक्ते पर ला देंगे। इस विश्वास को रखिए, इस देश में समाजवादी सरकार, धर्मनिरपेक्ष सरकार की बात संविधान के जरिए हुआ था, सुनने में आया है। मैं अभी देखा नहीं कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर की मूर्तियां देश की संसद से बाहर कर दी गई हैं, या मैंने दिल्ली के सड़कों पे मैंने कई महत्वपूर्ण सांसद सदस्यों के द्वारा मैंने सुना है। 18 तारीख को जब हम लोग उम्मीद है कि शपथ लेने जाएंगे तो इस बात की तहकीकात भी करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो एक लंबा संघर्ष देखेगा यह देश, याद रखिएगा, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं जिन्होंने देश के नेतृत्व किया आजादी का, उनके साथ अगर ऐसा अपमानजनक सलूक हुआ होगा। पश्चिमी चंपारण के चौथी बार जीते बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली से लौटने के एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो बंद पड़ी थी उसे चालू कराया जाएगा और आवास देने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत माला फेज 2 में पश्चिमी चंपारण को 2 सौगात मिली है, जिसमें रक्सौल, दिगवारा, हरदिया प्रोजेक्ट, दूसरा गोरखपुर सिलीगुड़ी जो नौतन होकर बनेगा, तो ये दोनों ही सड़क 6 लेन की होंगी, जिसके लिए अनुमति प्रधानमंत्री ने दी है। तो वहीं बेतिया के मुख्य सड़क को भी चमकाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बेतिया नगर निगम के इलेक्टेड लोग अपनी निजी फायदे के लिए मेन सड़क नहीं बना करके गली कूची बनवाया गया, अब यह नहीं होगा, शहर के सारे सड़क चकाचक होंगे। सभी मेरे क्षेत्र के जनता सुबह से आ जा रही है, कल ही मैं वापस लौटा हूँ और इस लोकसभा के इतिहास में पहली बार चौथी बार किसी को जीत मिली है और इसलिए मैं इस क्षेत्र की जनता का बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने कार्यकर्ताओं का खास करके विशेष आभार व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में इस बार इन सबों ने कार्य किया है और उसके बाद एक रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम यहाँ की जनता ने और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने किया है। आज उनके साथ बैठ के उनके लिए समय अगले 5 वर्ष मेरा पूर्णतः समर्पित। और खबर अरवल से, जहां एक बीएसएफ जवान का शव बरामद हुआ, तो वहीं छुट्टी पर आए बीएसएफ जवान को फंदे से लटका हुआ शव बरामद हुआ। मामला जिले के रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के राणापुर गांव का है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की और शव को फंदे से उतारा है। मृतक बीएसएफ जवान मंटू कुमार बीएसएफ की 5 बटालियन कल्याणी बंगाल में तैनात था। 2 दिन पहले जवान छुट्टी लेकर के घर आया था। मृतक बीएसएफ जवान के पिता ने बताया है कि सुबह पड़ोसी से बहस हुई थी और जिसके बाद उसका शव पंखे से लटका मिला है। जैसे कल जैसे चापाकल बना रहा था, इसी में जैसे हमारा गोतिया दुश्मन जो है आन करके थाना को फोन कर दिया और थाना को फोन करने में थाना आ गया। आने के बाद जैसे चला गया ऐसा थाना लोग, इसके बाद जैसे गोतिया लोग आम इसको बहुत गाली गलौज किया। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम तो गाँव में थे, हम आए तो पता चला कि इसका बॉडी जैसे उतार के पीछे रखा। गढ़वा जिले में पलामू एसीबी की टीम ने चिनिया प्रखंड के जूनियर इंजीनियरिंग अनुज कुमार रवि को 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
एसीबी की टीम ने जेई को रंका थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव स्थित घर से गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि जेई मनरेगा योजना में एमबे बुक करने के नाम पर 5,000 रुपए का घूस मांग रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने एसीबी से की थी। जिसके बाद एसीबी की टीम ने मामले को पहले तहकीकात किया, उसे एक योजना बना करके घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जेई का पावर इतना था कि वह पैसे के बल पर चिनिया प्रखंड का बीपीओ भी बना हुआ था। एसीबी के इस कार्रवाई के बाद जिले में के अधिकारियों में हड़कंप है। खबर बोकारो से, जहां बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो स्थित ज्ञान ज्वेलर्स में अपराधियों ने फायरिंग की है। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। मामला फुसरो बाजार का है, जहां सुबह सुबह ज्ञान ज्वेलर्स पर अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दी, जिसमें किसी की हताहत होने की अलग खबर नहीं है और ना ही लूट की वारदात हुई है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से बाजार में दहशत का माहौल जरूर कायम हो गया है। घटना के बाद दुकानदारों ने गुस्से में अपनी दुकानों को बंद कर दिया और आंदोलन पर उतर आए। लोगों में पुलिस प्रशासन को लेकर के नाराजगी देखने को मिली है। दरअसल बेरमा पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर है। अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद लोगों में यह आक्रोश देखने को मिला। ज्ञान ज्वेलर्स के मालिक ज्ञान वर्मा जी को वो अपने नीचे कुछ काम कर रहे थे, उसी बीच में उनको गोली चला के रोड के उस पार से और गोली चला के वो भी निशाना लगा के और गोली भरते हुए और इधर से भागे हैं नीचे ओवरब्रिज के तरफ। और जैसा कि देख सकते हैं और नीचे पीसीआर गाड़ी उनको रुकवा रहे हाथ देके, जो कि पूरी फेलवर है प्रशासन की ओर से। और ये बाजार पूरी अभी बंद होने जा रहा है और अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग नीचे बाजार में बैठेंगे जब तक एसपी साहब आके हम लोग को इसका निर्धारण नहीं करेंगे तब तक। कुछ दिन पहले धमकी आया था तो इन्होंने भी प्रशासन को सूचना दिया था, ऑनलाइन बाकी केस करवाए थे, तो इससे कुछ होने नहीं जा रहा। प्रशासन, हम लोग भी डीजीपी साहब से मिले थे, डीआईजी साहब से मिले, एसपी साहब से मिले और डीएसपी साहब पिछले जब गोलीकांड हुआ था तो बोले थे 48 घंटा का समय दीजिए हम लोग को, पूरा इस पर निर्धारण करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। अब हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए रोड जाम करने जा रहे हैं। और बात चतरा की करेंगे, जहां पर दुल्हन ने शादी से पहले जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। मामला चतरा के प्रतापपुर प्रखंड के टंडवा गांव का है, जहां एक घर में दुल्हन को लेने के लिए बारात तो पहुंची लेकिन घर में दुल्हन की डोली के बजाय उसकी अर्थी उठी है। गांव में शादी को लेकर के सारी तैयारियां कर ली गई थी, शादी के कार्ड छप गए थे, इतना ही नहीं रिश्तेदार भी शादी के लिए लड़की के घर पहुंच गए थे। टेंट, लाइट और जयमाला सजकर तैयार थी। शादी के मंडप भी पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया था, बस बारात दुल्हन को लेने के लिए आ रही थी। उससे पहले ही दुल्हन ने आत्महत्या कर ली है और पूरी घटना को लेकर के लड़की की बहन ने बताया है कि उनकी बहन रात में किसी लड़के से फोन पर बात कर रही थी, कुछ देर बाद उसने जहर खा लिया, जिसके बाद वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक पूरा मामला ये प्रेम प्रसंग का है। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस अब केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। शादी ब्याह का मामला था तो ही रात मतलब कि आने वाली थी, पहुंच ही चुकी थी वही 3 बजे आसपास, तो 2:30 बजे नहीं लगभग तो ही 1 या 1.5 बजे का मामला है। उस टाइम कलशा पूजा हम लोग को चालू हुआ, उस टाइम चालू हुआ पूजा होने के लिए, तो वो पूजा होने के लिए सब इधर निकली थी, निकल गया, उसके बाद अंदर में वो अकेले भी थी तो सब इधर जमा हो गया, वो भीड़ में मतलब इधर सब आ गया, वो अकेले थी तो उसी के बीच में मतलब कि शायद ऐसा हुआ, तो हम लोग सोचे कि तबीयत खराब हो गई कि मतलब कि उपास है शायद मतलब कि, तो उल्टी करने लगी, तो उल्टी करते करते हम लोग सोचे कि शायद कि तबीयत खराब हो गया ढेर मतलब कि कमज़ोर हो गया, तो उसको हॉस्पिटल ले गए। दोनों जन बोले कि हाँ पसीन है, तो हम लोग भी राजी हो गए, माँ बाप भी राजी हो गए। उसके बाद फिर 3 दिन तारीख धरे कार्ड छपाए, फिर अपना इधर सजाने उजाने के अथी किए, सजवाएं बारात आने के समय बारात आती 4 बजे बारात पहुँचा, यहाँ 3 बजे के लगभग में वो अपना अंदर रूम में घुस के का की पता नहीं हम लोग को। क्या लगता है आप लोग कैसे उसका डेथ हुआ होगा, क्या की होगी? हमको तो लगता है कि जहर खाई होगी अंदर। अब कब खाई, किधर खाई, सबको नहीं पता, हम निकल गए बाहर।
पता चला शायद शादी को लेकर सब तैयारी कर लिया गया। हाँ, सब तैयारी कर लिए थे हम लोग, खाली बारात आने वाला था बस, बाकी हम लोग सब इधर तैयारी हो गया था हम लोग का। इससे पहले आप लोगों को पता नहीं था कि उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग क्या है? नहीं, सबको पता नहीं था, हम लोग पहले से पूछ के काम किए। पता रहता उसको हम पूछते थे तो कुछ नहीं बोलती थी, बोली कि हाँ करेंगे करेंगे बोल के, वो बोली तब ना हम उतना दूर किए, नहीं कर बोलती तो हम उतना, हमको शौक था। और गढ़वा जिले का प्रतापपुर पंचायत एक समय पूरे देश में छाया हुआ था, वजह था ग्रामीणों का असमय काल के गाल में समाना। इस गांव के पानी में इतनी फ्लोराइड है कि 30 और 40 वर्ष का जवान भी बूढ़ा हो जाता है, 50 आते आते उसकी मृत्यु हो जाती है। पानी में उसे एक की मात्रा तक नॉर्मल माना जाता है, और लेकिन इस गांव के पानी में फ्लोराइड 7.86 है, जो साफ झलकता है कि ये पानी पीने लायक नहीं बल्कि जहर है। इस गांव में कौन अधिकारी नहीं आया, लेकिन आज जो हालात जस का तस है। सरकार ने इस गांव में शुद्ध पानी देने के लिए लगभग 20 करोड़ की लागत से पानी की टंकी बनाई, लेकिन ये पानी की टंकी ग्रामीणों को तरसा रही है, क्योंकि कभी 4 तो कभी 10 तो कभी 15 दिनों में ग्रामीणों को पानी देती है, जबकि इन्हें पानी की आवश्यकता हर मिनट है। नतीजा यह है कि इन्हें आज भी जहरीला पानी पीना पड़ता है। पानी के तो है बहन, पानी बिना हम प्यास से तड़प तड़प जैसे मरला, वैसे जल में मछली मर रहा है। कहें जी हमन सरकार घर में का ऐसा कसूर कैले हिया, जितना बड़ा हमन भोगती भोगत हिया। पानी के चलते पेट में भी गैस बनावत बा, रीढ़ भी सब टेढ़ा हो गई, हाथ पैर टेढ़ा हो गए, और ऊपर से दांत के भी आदमी के शिकायत बा कि दांत भी हमन के पीला पीला, बाल बच्चा परिवार सब हमन तक खैर दूसरा दिन से लेती हुई लग, बल्कि बाल बच्चा भी चौपट होके जा रहा बड़न। अब का एक में सरकार हमनी के निर्णय लेवलन, यह लहमन तो खुद परेशानी की पेट से हाथ पैर से रीढ़ से सब टेढ़ा हो रहा बा। जल मीनार बनल बा 10 दिन कबो मिली तब 15 दिन बंद हो रही। परेशानी ये कि पानी यहाँ फ्लोराइड है, फ्लोराइड के चलते जो है आदमी जो है उसमें पी रहा है, तो उसमें जो है आदमी के जो है बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, यही दिक्कत है। खाना खाना में पाचन शक्ति कम होते जा रहा है, हड्डी में बोला हड्डी उधर नॉर्मल होते जा रहा है, और दांत भी, दांत के भी असर बहुत खराब होते जा रहा है, और आदमी दर्द शरीर में दर्द हो जा रहा है पूरा शरीर में, रंग रंग में दर्द, हड्डी हड्डी में दर्द, पेट में गड़बड़ी, भोजन नहीं खिलाएगा, चक्कर मारेगा, इसी सब प्रकार का है। सरकार का एक जल मीनार बना, वो भी फेल, दूसरा बना तो कभी 10 दिन कभी 15 दिन कभी 8 दिन पानी हम लोग का मिल ले रहा है सुचारू रूप से। एक कहावत है, प्यास जोरों की लगी है, पानी में जहर था, पीते तो मर जाते, नहीं पीते तो मर जाते। ये कहावत जो है चरितार्थ हो रहा है सदर प्रखंड के प्रतापपुर का मोनाहा टोला में, जहां लोग मजबूर हैं जहर युक्त पानी पीने को। कहा जाए तो यहाँ पे सभी पानी में फ्लोराइड इतने हैं कि उम्र से पहले लोग बूढ़े नजर आ रहे हैं, और कितने तो काल के गाल में समा गए। सरकार के द्वारा यहाँ पे 2 जल मीनार बनाया गया, एक तो पहले ही फेल हो चुका है, दूसरा बना है करोड़ों की लागत से। लोगों की आस जगी कब उन्हें शुद्ध पेयजल मिलेगा। प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया, लोगों के घर तक कनेक्शन भी आ गया, पानी भी मिला, लेकिन वह पानी बूंद के समान मिल रहा है। महीने में 2 से 4 दिन वह चलता है और बाकी दिन बंद रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब वहां जाते हैं पूछने तो उनका कहना है कि बिजली समुचित नहीं मिल रही है, मोटर खराब है, कई तरह के बहाने बनाए जाते हैं। वहां जो ऑपरेटर है उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है। कई बार यहाँ से DC विभाग को लिखित आवेदन दिया गया, मौखिक आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखना है कि मोनाहा टोला का कब भाग्य उदय होगा और यहाँ शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। गढ़वा से न्यूज स्टेट के लिए मैं धर्मेंद्र। गुमला में भीषण गर्मी से जहां आम लोग परेशान है, तो वहीं सदर अस्पताल की व्यवस्था लोगों को विशेष रूप से परेशान कर रखी है। सदर अस्पताल में सही रूप से व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुमला सदर अस्पताल का निर्माण 300 बेड वाले बिल्डिंग के रूप में करवाया जा रहा था, लेकिन शुरुआती दौर में केवल 100 बेड का ही बिल्डिंग बन सका है।
जिसके कारण आज भी मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में कई तरह की सुविधाओं का अभाव होने के कारण मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन 400 से अधिक मरीज ओपीडी में दिखाने के लिए आते हैं, जबकि 200 से अधिक मरीज सदर अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 100 बेड वाले सदर अस्पताल में 200 मरीजों को कैसे रखा जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके सूबे की सरकार को इस बात को लेकर के थोड़ा भी गंभीरता नहीं है। इस बार जो सरकार के द्वारा अधिसूचना निकाली गई है उसमें 11 डॉक्टरों का ट्रांसफर हो गया है और उधर से 7 डॉक्टर ही आए हैं जी। तो पहले ही से ही कम था गुमला जिला में डॉक्टर्स, इस बार और कम हो गया। 143 पहले से सैंक्शन सीट था जिसमें केवल और केवल 46 डॉक्टर थे। 300 बेड के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं मिसमैच इसी में हो रहा है। बट स्टिल हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बेहतर सुविधा दे सकें। बेड अगर बाहर में लगा रहे हैं तो ऐसे नहीं कि मरीजों को परेशानी, तो परेशानी हम लोग को होती है स्वास्थ्य सुविधा उनको मुहैया कराने में, लेकिन तो भी हम लोग अपना मैक्सिमम प्रयास करके उन मरीजों के को सेटिस्फाई करते हैं। उन मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए डॉक्टर और सारे मेरे स्टाफ लगे रहते हैं। तो हमारा डिमांड यही है कि हमको कम से कम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज किया जाए, मेरे हमारे बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। हमारे पास बिल्डिंग का बहुत ही कमी है, इस पर अगर सरकार ध्यान देती है और अगर हमको कुछ नया बिल्डिंग या फिर एक फ्लोर बन जाए या बगल में कहीं कुछ बना के मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मिल जाए ताकि मैं 100-150 बेड उधर एकोमोडेट कर सकूँ, तो मैं और बेहतर सुविधा उपलब्ध करा पाऊँ। हमारे गुमला जिला का एकमात्र सदर अस्पताल गुमला है, यहाँ पर सभी जगह के लोग यहाँ आते हैं उपचार के लिए और यहाँ बेड की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ लोग इतनी भीड़ हो जाती है और डिलीवरी के लिए भी और नॉर्मली के लिए, लेकिन यहाँ पर बेड की बहुत कमी हो जाती है। लोग ज़मीन पर यहाँ सोने पर विवश हो जाते हैं। प्रशासन को यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार अगर थोड़ी सी यहाँ अपनी ध्यान आकर्षित करते हैं तो हमारे गुमला जिला में जो यहाँ भी अस्पताल की स्थिति थोड़ी दयनीय है वो सुधर सकती है। एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर जो हॉस्पिटल है ये बीजेपी गवर्नमेंट के समय में 300 बेड का प्रस्ताव था लेकिन 100 बेड का ही बना। यहाँ पर जेएमएम की सरकार आई लेकिन उस पर कोई व्यवस्था इस सरकार भी नहीं बना पाई, जिससे यहाँ के गरीब आदिवासी लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है, अच्छी व्यवस्था नहीं है। पानी 100 का है लेकिन मरीज का आउट जो है वो इन आउट जो है वो आपका करीब 200 से 250 है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है हम लोग को। तो सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो सदर अस्पताल घूमने पर ध्यान दें। राकेश जी तो पूरे जिले से लोग आते होंगे यहाँ पे? हाँ सर, पूरे जिला के अलावा आपका जैसे लोहरदगा से कुछ पेशेंट आते हैं, इधर जसपुर जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ से पेशेंट आते हैं, सिमडेगा से कुछ आते हैं और थैलेसेमिया का पेशेंट एक ऐसा पेशेंट है जो लोहरदगा से बराबर बी नेगेटिव का ब्लड हमारे गुमला सदर अस्पताल में ही चढ़वाते हैं और उनको हम लोग हर हमेशा मुहैया कराते हैं। और सरायकेला में जहां चोरी छिपे जमीन की बिक्री को लेकर के पालूबेड़ा में ग्रामीणों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। जिले के डुमरा पंचायत के पालूबेड़ा में भू माफियाओं ने बिना ग्राम सभा के चोरी छिपे जमीन की खरीद बिक्री शुरू करने के से ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्राम प्रधान धर्मू मांझी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण किसान कांडरा मोड़ से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के लिए सरायकेला रवाना हुए हैं। यहां ग्रामीणों ने भू माफियाओं के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने कहा है कि बिना ग्राम सभा के स्वीकृति के कोई खरीद बिक्री की गई जमीन का म्यूटेशन रद्द नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। ग्राम प्रधान ने कहा है कि जमीन पूर्ण रूप से कृषि भूमि है और जमीन पर साल भर खेती की जाती है। मौके पर उपस्थित 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष राम हाजदा ने कहा है कि बिना ग्राम सभा की स्वीकृति के जमीन खरीद बिक्री को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा मोजा पालूबेड़ा में बिना ग्राम सभा किए जमीन का खरीद बिक्री हो रहा है, उसका विरोध में आज हम लोग डीसी साहब के वहाँ हम लोग जा रहे हैं और उसको सूचना देंगे कि जो भी मेरा गांव में अवैध तरीके से खरीद बिक्री हो रहा है उसको आपके माध्यम से उसको बंद किया जाए। कोई बिल्डर है जो
जितेंद्र नाथ मित्रा नाम करके और एक इनके ओछा उनके नाम से मिटिशन बन गया दोस्तों। तो उसी में हम लोग आज पूरा गांव वाले बैठक किया, बैठक करने को देख रहे भाई हम लोग तो बिना पूछे यहाँ पे कैसे मिटिशन हो गया, हम लोग किसी कोई जानकारी नहीं गांव को। मामला ये है कि हमारे गमरिया प्रखंड अंतर्गत डुमरा पंचायत के पालूपुरा मोजा में कि बाहरी असामाजिक तत्व को हमारे सीएनटी जमीन, गैर सीएनटी जमीन को जो है बिना ग्राम सभा किए गैर कानूनी तरीका से जो है खरीद बिक्री कर रहे, इसका खिलाफ में हम लोग अंचल अधिकारी को एक ज्ञापन दिए थे और उसका प्रतिलिपि आज हमारे जिला के उपायुक्त को देने जा रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। कावेरी एसी फास्ट है कलर, बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी एसी फास्ट है कलर, एसी भी और फास्ट भी। मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले, वीडियो पर यकीन करने से पहले, हर फॉरवर्ड को सच मानने से पहले जरूरी है कि देश आंखें खोलकर देखे। देश को अफवाहों से बचाने वाला शो लाइव डिटेक्टर टेस्ट सिर्फ न्यूज नेशन पर। कावेरी एसी फास्ट है कलर, बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी एसी फास्ट है कलर, एसी भी और फास्ट भी। कावेरी एसी फास्ट है कलर, बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी एसी फास्ट है कलर, एसी भी और फास्ट भी। मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले, वीडियो पर यकीन करने से पहले, हर फॉरवर्ड को सच मानने से पहले जरूरी है कि देश आंखें खोलकर देखे। देश को अफवाहों से बचाने वाला शो लाइव डिटेक्टर टेस्ट सिर्फ न्यूज नेशन पर। कावेरी एसी फास्ट है कलर, बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी एसी फास्ट है कलर, एसी भी और फास्ट भी। ₹140 करोड़ लोग हैं देश में, फिर भी असल मुद्दों पर लोग क्यों मौन हैं? खड़े हैं हजारों सवाल, फिर जवाब देने में क्यों है तंग हाल? जानकारी का सूखा दूर कीजिए और हर दिन मुद्दों की गहराई में उतरिए। बेमतलब के विश्लेषण में मत उलझिए, खबरों को परत दर परत समझिए। सिर्फ एक नजरिया कुछ भी नहीं करता डिसाइड, हर एंगल से समझाएंगे खबर, बनकर आपका गाइड। देखिए गाइड रात 9 बजे सिर्फ न्यूज़ नेशन पर। नमस्कार, न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे लेकिन उससे पहले खबर रांची से, जहां पर हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है और ईडी ने हाईकोर्ट के सामने पेश की दलील। हेमंत सोरेन के वकील को लिखित बहस जमा करने का निर्देश दिया गया। 13 जून को भी हाईकोर्ट में होगी मामले पर सुनवाई। तो लैंड स्कैम मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में एक और सुनवाई हुई। तो वही कोर्ट में बहस के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि हेमंत सोरेन का जुड़ाव उन सबूतों से है जो ईडी की अलग अलग छापेमारी में मिले हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि तत्कालीन सीओ मनोज कुमार ने अपने बयान में कहा है था कि अभिषेक प्रसाद पिंटू और सीएमओ के कार्यरत उदय शंकर के कहने पर उन्होंने हलका कर्मी भानु प्रताप को इस भूमि का सर्वे करने को कहा था।
अभिषेक प्रसाद ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने उस भूमि को लेकर के जो भी निर्देश दिए हैं वह हेमंत सोरेन के कहने पर ही दिए। वकील ने कहा कि बचाव पक्ष ने सबूतों पर जो सवाल खड़े किए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारियों की मौजूदगी में सभी सबूतों को सील किया गया है और जब्ती सूची पर सबका हस्ताक्षर है। ईडी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील को लिखित बहस जमा करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को भी मामले में बहस जारी रहेगी। रांची के बड़गाई स्थित 8.86 एकड़ जमीन से संबंधित मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियमित जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। यह सुनवाई पिछले सोमवार को भी हुई थी, आज भी हुई और क्रमशः कल भी जारी रहेगी। आज प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अपना पक्ष रखा गया है और प्रार्थी की ओर से सोमवार को पक्ष रखा गया था, कल भी यह बहस जारी रहेगी। और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब बिहार की नीतीश सरकार भी एक्शन में आ गई है। जी हां, बिहार में नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है। सभी जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पटना का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, तो दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को दो जिलों का प्रभारी बनाया गया है। उन्हें मुजफ्फरपुर और भोजपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही विजय कुमार चौधरी को पूर्णिया और नालंदा का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही विजेंद्र प्रसाद यादव वैशाली, प्रेम कुमार को नवादा, श्रवण कुमार समस्तीपुर और मधेपुरा, संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद का प्रभारी मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही मंगल पांडे को दरभंगा और बेगूसराय, नीरज कुमार सिंह को कटिहार, अशोक चौधरी को सीतामढ़ी और जहानाबाद का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। रोहिणी आचार्य का सीएम नीतीश पर बड़ा बयान देखने को मिला। नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं, ये बात रोहिणी आचार्य की ओर से कही गई और उन्होंने साथ ही कहा कि अब देखते हैं कि कब आते हैं आशीर्वाद देने। रोहिणी आचार्य ने राजीव प्रताप रूडी जो कि उनके प्रतिद्वंदी भी थे, जिनको हरा करके वो जीती हैं, उन पर भी तंज कसा और कहा कि सीएम नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं, अब देखना ये होगा कि वो आशीर्वाद देने कब आते हैं। तो वही तो हम बोल रहे क्या, रूडी जी बताएंगे ना। गोलियां चलती है, चलती रहेंगी, तो रूडी जी से जवाब मांगिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया रोहिणी जी, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला है, इससे क्या कहिएगा? देख लीजिए, सच्चाई सामने आ गया ना। यही ना विपक्ष बोलता था, जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे। जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ? ठनठन गोपाल बना दिया ना फिर से जनता को, कुछ नहीं दिया बिहार को। तेजस्वी कह रहे झुनझुना थमा दिया गया है। तो सही बात बोल रहा है ना, तो ये तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया गया, आ करके चुनाव में फिर से झांसा दे करके गए थे, फिर से वही झांसाबाजी, जुमलाबाजी हो गया। और सीएम चंपई सोरेन ने की है विभागों की समीक्षा। अफसरों के साथ 16 विभागों की समीक्षा हुई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश भी इस दौरान दिए। उन्होंने कहा अभुआ आवास योजना की दूसरी किस्त की राशि जारी करें। तो जहां एक और विभागों की समीक्षा सीएम चंपई सोरेन के द्वारा की गई, तो वहीं 16 विभाग ऐसे जिनकी समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को समीक्षा के दौरान निर्देश भी दिए और अभुआ आवास योजना की दूसरी किस्त राशि जारी करें इसका निर्देश दिया गया। अभुआ आवास योजना में तेजी लाने का आदेश भी दिया गया। लाभुकों के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए ये कहा गया। इसके साथ ही अनियमितता और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई तय की जाए। म्यूटेशन को लेकर के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सख्त है। हजारीबाग, रांची, गिरिडीह, पलामू में होगी जांच। म्यूटेशन प्रक्रिया की गति धीमी होने पर भी कार्रवाई, जिसकी बात उन्होंने कही है। और लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि सीडब्ल्यूसी मीटिंग में राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे, हमें जो जनादेश मिला है हम उसके साथ चलेंगे, विधानसभा चुनाव के लिए हम पूरी मेहनत से लड़ेंगे,
हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि राज्य में आगामी सरकार भी हमारी ही बनेगी। निश्चित रूप से CWC के जो मीटिंग आपने देखा होगा कि राहुल जी ने कहा कि अपने हम विचारधारा से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जो हमें जनादेश मिला है उसके साथ हम चलेंगे। और ये हम कह सकते हैं जो संविधान बचाने के, लोकतंत्र बचाने के, जो लोकतांत्रिक पद्धति के साथ जो संवैधानिक संस्थानों का जिस प्रकार अपहरण किया गया था मोदी सरकार के द्वारा, वो हम कैसे रोक पाए एक, और उन परंपराओं का, संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक परंपराओं को उन्हें कैसे सशक्त बनाए, ये हमारी प्रायोरिटी में है एक। दूसरी बात, क्षेत्र की जो प्रायोरिटी है, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त हर वर्गों से उन्होंने विचार विमर्श करने के बाद, उनसे इंटरेक्ट करने के बाद गारंटी पत्र उन्होंने बनाया, हमारा भी प्रयास कर उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के अपने क्षेत्र के तमाम लोगों के साथ, चाहे युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, श्रमिक वर्ग हो, चाहे अलग अलग रिलीजियस सेक्टर के लोग हैं, जो धार्मिक सेक्टर के लोग हैं, उनको उनकी उनको जो संविधान ने जो प्रोटेक्शन मिला है उसको हम कैसे बेहतर करें और उनको लाभ उसका दिलाएं। और विश्व बाल श्रम उन्मूलन दिवस के मौके पर रांची में हितधारकों का संवाद देखने को मिला। कार्यक्रम का आयोजन इस दौरान किया गया। कार्यक्रम में विभागीय पदाधिकारियों और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा कई चाइल्ड चैंपियन ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि बाल श्रम एक गंभीर समस्या है और यह हमारे भविष्य, देश के बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन करता है। मंत्री ने आगे कहा कि केवल सरकारी प्रयासों से बाल श्रम को खत्म नहीं किया जा सकता, समाज से बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सभी नागरिकों को मिलजुल करके प्रयास करने की जरूरत है। जब समाज की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो आपको सेवा भाव से काम। सर, क्या क्या योजना के बारे में बता रहे हैं छठियारी के लिए, क्या क्या बोल रहे हैं? हम लोगों श्रम विभाग में कई योजनाएं हैं श्रमिकों के लिए, आपको मिल जाएगा विभाग से, लेकिन गरीब कल्याण के लिए श्रम विभाग मतलब जीवनदान है, सबको जुड़ना चाहिए, विभाग से लाभ होना चाहिए। और छपरा में हीट वेव से आम जनजीवन त्रस्त है। लोग गर्मी से बचने के लिए तमाम इंतजाम कर रहे हैं, तो वहीं मौसम विभाग ने 14 जून तक लोगों को सतर्क रहने और बाहर निकलने के दौरान सावधानियां बरतने की सलाह दी है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अस्पताल को भी इस मौसम को लेकर के अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। गर्मी को लेकर के छपरा के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता विपिन कुमार मिश्रा ने। देखिए, छपरा में हीट वेव से जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं और मौसम विभाग ने भी 14 जून तक लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। कुछ लोग हम इनसे जानते हैं, छपरा में गर्मी कितनी है? बहुत ज्यादा गर्मी है, मतलब बहुत सालों के बाद इस तरीके की गर्मी यहाँ पे दिख रही है, देह झुलस गया है। कैसे बचते हैं लोग? देखिए, जितना ज़्यादा हो सके पानी का सेवन करें, मतलब लिक्विड जितना ले सके, पानी हो, जूस हो, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से, और घर में बंद ये भी नहीं कह सकते, जो कमाने वाले लोग हैं उनको तो निकलना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ जितना लिक्विड का सेवन कर सके, पानी का सेवन कर सके, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का सेवन करना है, पानी का सेवन करना है, ताकि धूप से बचे। कुछ और लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो कितनी व्यवस्थाएं करके निकलनी पड़ रही है, इतना पसीना हो रहा है। देखिए, ऐसा हीट वेव तो कभी मिला ही नहीं देखने के लिए, जीवन में पहली बार है जो 41 डिग्री 44 डिग्री देखने को मिल रहा है। ये एक तरह से समझिए तो कि अच्छा संकेत नहीं है और लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और अब घर से पानी का बॉटल जरूर लेके निकलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि धूप में ना निकले और शाम के और सुबह को तरजीह देनी चाहिए। तो जितने भी लोग हैं धूप से बचने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, और आप तमाम देख सकते हैं बाजारों में जूस की दुकान है या फिर तरबूज की दुकान है, पानी की दुकान है, इस पे जो लोगों की है वो मांग बढ़ गई है और लोग यूज कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे और भी हैं जो ई रिक्शा वगैरह चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो गर्मी कितनी है और कैसे बच रहे हैं? बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत। कैसे बच रहे हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा गर्मी, हम लोग यहाँ क्या करें, छा है दुर्गा माँ के मंदिर पर, हम लोग वही सांस जी रहे हैं, पानी ठंडा पी पी के। आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी। तो सवारी मिल रही है गर्मी में? नहीं, सवारी तो अभी कम है, गर्मी का मौसम से सवारी नहीं मिलता है। तो कैसे बच रहे हैं आप लोग? वही दुर्गा चौक पर है, हम लोग लुकाए हुए हैं, गाछ वृक्ष तो यहाँ पे है नहीं, सरकार इसका व्यवस्था गाछ वृक्ष को करना चाहिए राह में और सारा जनता को देखना चाहिए इसको।
तो जो तमाम लोग हैं वो अलग अलग व्यवस्थाएं कर रहे हैं, खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धूप इतनी तेज है कि इससे बच पाना मुश्किल है। और इसको लेकर के सरकार ने भी अलर्ट कर रखा है कि धूप से सभी को बचना है और खुद को बचाना है। और आपको बता दें कि खुद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर के सभी जो मंडलीय स्तरीय से लेकर जिला स्तर के जो अस्पताल हैं से बचने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो करने का निर्देश दिया है। और साथ ही साथ जब भी घर से बाहर निकले तो इसको लेकर के मौसम विभाग ने भी कई तरह के जो निर्देश हैं वो दिए हैं ताकि सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित हो सके और इस हीट वेव के प्रकोप से बच सके। और न्यूज नेशन भी आपसे अपील करता है कि जब भी घरों से बाहर निकलें तो सिर ढक के रखें, पानी का बोतल जो है वो साथ में रखें और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा घरों में सुरक्षित रहने का प्रयास करें। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा। और पूरा बिहार इस वक्त हीट वेव और लू से परेशान है। बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। इसके कारण हुई कई लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी है। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन अब हरकत में आ गया है। पटना डीएम ने सदर अस्पताल गुरु गोविंद सिंह का निरीक्षण किया है। डीएम ने अस्पताल में मौजूद व्यवस्थाओं को देखा है और पटना डीएम के इस औचक निरीक्षण में अस्पताल में कई खामियां पाई गई जिसको समय रहते पूरे कर लेने की बात डीएम ने कही है। तो वहीं डीएम ने पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण करने के बाद कहा भीषण गर्मी पड़ रही है, उसी को देखते हुए हम यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हीट वेव, लू और चमकी बुखार से बचने के लिए यहां पर क्या व्यवस्था है उसको हमने देखा है। देखिए हीट वेव, लूज, आईएस, जेई, चमकी बुखार की तैयारियों के लिए ये हमने विजिट यहाँ पे किया गया है। हीट वेव के लिए अलग वार्ड जो है गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में यहाँ पे बनाया गया है। 24/7 डॉक्टर्स यहाँ पे हैं। जो हमारा एमसीएच जो है मैटरनिटी वार्ड है और जो छोटे बच्चों है उनके केयर के लिए जो वार्ड बनाया गया उसका एक निरीक्षण किया गया है। कुछ कमियां भी पाई गई है, पंखे कुछ कम चल रहे थे उसका भी डायरेक्शन दे दिया गया है। एसी भी कुछ जगह पे माल फंक्शनिंग था। दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है BMSICL की दवाएँ यहाँ पर बट रही थी। जो स्किन डिसीजेस है गर्मी के कारण उसके पेशेंट थोड़े सी संख्या यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। बाकी जो है ORS और अन्य जो दवाइयाँ है जो लूज के लिए होती है, डायरिया के लिए होती है, वो भी यहाँ पे जो है उपलब्ध है। और अरवल जिले में चिलचिलाती धूप और लू की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जिले में चल रहे हीट वेव के कारण दोनों की मौत हुई। दोनों मृतकों के बारे में सदर अस्पताल में तैनात डॉक्टर रजनीश कुमार ने बताया है कि दोनों की मौत लू के कारण हुई है। बिहार में भीषण गर्मी का जहां एक और कहर जारी है तो वहीं कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार हो गया है। गर्मी को लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। 2 ब्राउड डेड लाए गए थे, दोनों यहाँ पर आए थे तो उसमें ब्राउड डेड ही था, जो कि हीट स्ट्रोक का ही मामला है। कितने उम्र होंगे उन लोग को? एक तो 60, एक तो होंगे लगभग 62 साल के और एक की उम्र 74 साल के। मैंने क्या लग रहा था सर कि हीट वेव के? हाँ, हीट वेव के वजह से हीट स्ट्रोक हुआ है और एक उम्र के वजह से भी आपको मॉर्बिडिटी कंडीशन भी उनके साथ था जिसके वजह से उनकी डेथ हुई। अभी तक कितने लोगों की डेथ हुई? यहाँ पर तो अभी 2 लोग की डेथ हुई है आज ब्राउड डेड में और कुछ भर्ती भी हुए हैं जो कि ठीक हुए हैं। बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो किसी भी वारदात को अंजाम देने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। बेखौफ बदमाशों ने बेगूसराय में एक बस को रुकवा करके उसमें जमकर लूटपाट की है। बस में सवार लोगों ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की इस घटना में 2 लोगों को गोली लगी है और घटना साहेबपुर कमाल के सनहा ढाला के पास की है। दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं बताया जा रहा है कि बेगूसराय से खगड़िया की ओर जा रही थी और तभी 3 की संख्या में अपराधी बस में सवार हो गए और एक व्यापारी से लूटपाट करने लगे। पुलिस अपराधियों की पहचान अब करने में जुट गई है। जिस तरह से अपराधियों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया है वह कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। लोगों का कहना है कि अपराधियों के मन से पुलिस का भय पूरी तरह से समाप्त हो गया है। गाड़ी जो है गाड़ी हम सब बैठे थे। अच्छा।
वही सब कौन मोमबत्ती सनहा ढाला पे तीन अपराधी अचानक गाड़ी में चढ़ा और एक मोटा जैसा है लोग उसको खींचने लगा नीचे उतारने के, उसके पास 5 लाख रुपया और कुछ जेबर था, उसी को खींचने लगा उतारने में, उसको नहीं उतार पाया, मजबूत था लोग, जिसके कारण एक आदमी दोनों हम दोनों घायल हो गए, एक आदमी उधर है उसको गोली मार, गोली मारना ताबड़तोड़ गोली मार। धनबाद में मानवता को शर्मसार करने वाला घटना सामने आई है, जहां धनसार थाना इलाके में 14 साल की मासूम के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका को बहला करके पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर अपनी नाबालिग प्रेमिका को अपने 6 दोस्तों को सौंप दिया। गैंग रेप के आरोपियों ने उसे रोड पर बेसुध छोड़ दिया। घटना की सूचना के बाद धनसार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता को SNMCH में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस 3 आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस जुट गई है। और वहीं लखीसराय में SIT को बड़ी कामयाबी मिली है। SIT ने करोड़ों रुपए गबन करने वाले CSP संचालक को गिरफ्तार कर लिया है और बीते 12 दिसंबर 2023 को SBI के ग्राहक सेवा केंद्र अमहरा के संचालक सूरज कुमार और उसके भाई नीरज कुमार ने हजारों ग्राहकों के खाते से फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए निकाल करके फरार हो गए थे, जिसके बाद ग्राहकों ने कई दिनों तक हंगामा और प्रदर्शन किया था। पुलिस ने भारतीय स्टेट बैंक लखीसराय के उप शाखा प्रबंधक आरिफ असर अंसारी के लिखित आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी सूरज और उसके भाई नीरज कुमार की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। SIT ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर सूरज और उसके सहयोगी को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। SP पंकज कुमार ने बताया कि सूरज कुमार और नीरज कुमार अमहरा थाना क्षेत्र स्थित CSP कंपनी सेव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का संचालन करता था, जहां से इन दोनों ने 5 से 6 हजार ग्राहकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और गबन कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी की थी और उसी में यह कामयाबी अब हाथ लगी। और खबर गोपालगंज से, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 19 ऊंट के साथ 4 ऊंट तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। वाहन जांच के दौरान नगर थाना क्षेत्र के NH 27 पर कंटेनर से 19 ऊंट बरामद किए गए। पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। यह तस्करी राजस्थान से गोपालगंज के रास्ते पश्चिम बंगाल की जा रही थी। बरामद ऊंटों की कीमत करीब 30 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इसमें कुल 19 ऊंट मवेशी जो है उसको पुलिस ने बरामद किया है और 4 जो पशु तस्कर हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी पशु तस्कर जो हैं उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं और इन ऊंटों की कुल कीमत करीब बाजार में 30 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। और ये जो ऊंट हैं ये राजस्थान सरकार के द्वारा जो है संकटग्रस्त इंडेंजर्ड कैटेगरी में घोषित किए गए हैं और ये सभी ऊंट राजस्थान से लाए जा रहे थे। इसमें से पशु तस्करों को गिरफ्तार कर उनको माननीय न्यायालय में शरीद किया जा रहा है और इस पशु तस्कर के गिरोह में और भी जो लोग शामिल हैं उनके नाम भी सामने आए हैं, जिसको हम लोग केस डायरी में लाकर उन पर भी आगे की कार्रवाई साक्ष्य संकलन के पश्चात की जाएगी। और खबर पटना के बिहटा से है, जहां बिहटा में जाम लगा हुआ है। लगभग 10 किलोमीटर का यह लंबा जाम टूटने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे से लोग जाम में फंसे हुए हैं। कई एम्बुलेंस भी इस महाजाम में फंसी हैं। लोगों का कहना है कि यहां लगातार जाम लगता है और प्रशासन कहीं नजर नहीं आता। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन कहीं नजर नहीं आ रहा है और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोगों का कहना है कि इस जाम को छुड़ाने के लिए कहीं भी प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। कि हम सब एक सवेरे से ही बच्चे को ला रहे हैं, फिर अभी भी वहीं से स्कूल से आ रहे हैं। जी सर, कोचिंग से सर। कौन से कोचिंग से? सर बंसल क्लास से। हाँ बंसल, बंसल बंसल क्लास से। सुबह से ही फंसे हुए हैं? सुबह से। सुबह से कहाँ से कहाँ कहाँ तक हैं आप? कहाँ जाना है? सुबह से फंसे हुए जाम में? ये तो सुबह से जाम है। कारण जाम के? प्रशासन कोई ध्यान ना देते हैं। प्रशासन है ना रोड पर।
और कटिहार में जहां बसाई प्रखंड मुख्यालय में आधार कार्ड बनाने आए लोगों को हो रही परेशानी, तो वहीं कई लोग निराश होकर के घर लौटने को मजबूर हैं। बता दें कि यहां पर बारसोई प्रखंड के विभिन्न हिस्सों से लोग आधार कार्ड में सुधार के लिए बारसोई प्रखंड मुख्यालय में आ रहे हैं, जिससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूरदराज से आए लोगों को प्रखंड मुख्यालय में पीने के लिए पानी की व्यवस्था न होने और शौचालय जाने के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आधार सेंटर के अनुसार एक दिन में सिर्फ 200 लोगों का ही आधार कार्ड बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ दिनों से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और कई लोग निराश होकर के घर लौटने को मजबूर हो जाते हैं। ओ, बच्चे लोग का जो है, पोता पोती को जो है ना, आधार लिंक भी करना है, अप टू डेट भी करना है। इतनी भीड़ है, हम परेशान है एकदम। कितना समस्या हो रहा है, इतना भीड़ लग रहा है कि सेंटर को बढ़ाया जाए, तीन चार पंचायत में जाए किया जाए। पानी का भी व्यवस्था नहीं है यहाँ, है ना। कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है बच्चे लोग के साथ में। अभी क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि सेंटर बढ़ाया जाए और पानी की व्यवस्था किया जाए, और सेंटर बढ़ा कर जो पंचायत लेवल पर उसको बांट दिया जाए। आधार सेंटर पे भीड़ लग रही है। ई KYC कार्यक्रम जो है सरकार का चल रहा है, राशन कार्ड में हम लोगों को नाम अपडेट करना और ये सारी प्रक्रिया चल रही है, तो उसके कारण आधार सेंटर पे भीड़ लग रहा है। उसके लिए हम लोग अभी पानी का व्यवस्था जो है तत्काल नगर पंचायत से करवा रहे हैं, जिसमें कि प्याऊ जो है लगेगा और सारे लोगों को पानी की उपलब्धता होगी। साथ ही जो लोग को हेल्थ की समस्या होती है, तो उन लोगों के पे भी हम लोग जो है ध्यान दे रहे हैं और सारी स्वास्थ्य सुविधाएं उन लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही जो भीड़ जो आ रही है, तो हम लोग ये प्रयास करेंगे, प्रयत्न हम लोग का रहेगा कि हम लोग दूसरे जगह पर भी कैंप के माध्यम से हम लोग आधार सेंटर को वहाँ पे ले जाएं, ताकि लोगों को सुविधा हो। सर एक चीज, देखिए बारसोई ब्लॉक में शौचालय का व्यवस्था है, लेकिन अधिकतर उसमें तालाब मिलता है हम लोग को, और ब्लॉक का ऑफिस में भी शौचालय का व्यवस्था है, पूरा गंदगी रहता है उसमें। हम लोग कितना बार बारसोई प्रखंड पदाधिकारी, विकास पदाधिकारी, BDO साहब से, CO साहब से इस तरह का बात किए हैं, तो उन लोगों का कहना है कि एक ही क्या कहें, सफाई कर्मी है पूरा ब्लॉक में, अनुमंडल में, जिसके कारण इस तरह का समस्या है। तो एक ही है, तो इसका जिम्मेवार तो पब्लिक तो नहीं ना है, इसका समस्या का समाधान तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, और इसके लिए आपको पत्राचार भी करना पड़ेगा। जो बाथरूम में गंदगी है उसको सफाई रखना पड़ेगा। आप जाइए, नाक में रुमाल लेकर उसके बगल से गुजरना पड़ेगा आपको। दूसरा, यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग जो बारसोई के BDO साहब हैं, SDO साहब हैं, EO साहब नगर पंचायत के हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि इस तरह का सरकार के तरफ से पूरा व्यवस्था है, लेकिन उन लोग का संज्ञान में नहीं है कि यहाँ पे इतना भीड़ है, गर्मी है, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो आधार सेंटर है, यहाँ पे पानी का व्यवस्था आप लोग कराए। और खबर चतरा से, जहां दुल्हन ने शादी से पहले जहर खा करके आत्महत्या कर ली। मामला चतरा के प्रतापपुर प्रखंड के टंडवा गांव का है, जहां एक घर में दुल्हन को लेने के लिए बारात तो पहुंची, लेकिन घर में दुल्हन की डोली के बजाय उसकी अर्थी उठी। गांव में शादी को लेकर के सारी तैयारियां कर ली गई थी, शादी के कार्ड छप गए थे, और इतना ही नहीं, रिश्तेदार भी शादी के लिए लड़की के घर पहुंच गए थे, लेकिन शादी के मंडप को भी तैयार कर लिया गया था। बस बारात दुल्हन को लेने के लिए आ रही थी कि उससे पहले ही दुल्हन ने आत्महत्या कर ली। पूरी घटना को लेकर के लड़की की बहन ने बताया है कि उनकी बहन रात में किसी लड़के से फोन पर बात कर रही थी, कुछ देर बाद उसने जहर खा लिया, जिसके बाद वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, और आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापपुर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस अब केस दर्ज करके मामले की जांच में जुट गई है। शादी ब्याह का मामला था, तो ही रात मतलब कि आने वाली थी, अब पहुंच ही चुकी थी, वही 3 बजे आसपास, तो 2:30 बजे नहीं, लगभग तो ही 1 या 1:30 बजे का मामला है। उस टाइम कलशा पूजा हम लोग को चालू हुआ, पूजा होने के लिए, तो वो पूजा होने के लिए सब इधर निकल गया, उसको अंदर में वो अकेले भी थी,
वो सब इधर जमा हो गया, वो भीड़ में मतलब इधर सब आ गया, वो अकेले थी। तो उसी के बीच में मतलब कि शायद ऐसा हुआ, तो हम लोग सोचे कि तबीयत खराब हो गई कि मतलब कि उपास है शायद, मतलब कि तो उल्टी करने लगी, तो उल्टी करते करते हम लोग सोचे कि शायद कि तबीयत खराब हो गया ढेर, मतलब कि कमज़ोर हो गया, तो उसको हॉस्पिटल ले गए। दोनों जन बोले कि हाँ पसीन है, तो हम लोग भी राजी हो गए, माँ बाप भी राजी हो गए। उसके बाद फिर 3 दिन तारीख धरे कार्ड छपाए, फिर अपना इधर सजाने उजाने के अथी किए, सजवाए। बारात आने के समय बारात आती 4 बजे बारात पहुँचा यहाँ, 3 बजे के लगभग में वो अपना अंदर रूम में घुस के काट, पता नहीं हम लोग को क्या लगता है। आप लोग कैसे उसका डेथ हुआ होगा, क्या की होगी? हमको तो लगता है कि जहर खाई होगी अंदर। आप कब खाई, किधर खाई, हमको नहीं पता, हम निकल गए बाहर। पता चला शायद शादी को लेकर सब तैयारी कर लिया गया। हाँ, सब तैयारी कर लिए थे हम लोग, खाली बारात आने वाला था बस, बाकी हम लोग सब इधर तैयारी हो गया था हम लोग का। इससे पहले आप लोगों को पता नहीं था कि उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग क्या है? नहीं, सबको पता नहीं था, हम लोग पहले पूछ के पता रहता, उसको हम पूछते थे तो कुछ नहीं बोलती थी, बोली कि हाँ करेंगे करेंगे बोल के। वो बोली तब ना हम उतना दूर किए, नहीं कब बोलती तो हम उतना, हमको शौक था। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले, वीडियो पर यकीन करने से पहले, हर फॉरवर्ड को सच मानने से पहले जरूरी है कि देश आंखें खोल कर देखे। देश को अफवाहों से बचाने वाला शो लाइव डिटेक्टर टेस्ट, सिर्फ न्यूज नेशन पर। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले, वीडियो पर यकीन करने से पहले, हर फॉरवर्ड को सच मानने से पहले जरूरी है कि देश आंखें खोल कर देखे। देश को अफवाहों से बचाने वाला शो लाइव डिटेक्टर टेस्ट, सिर्फ न्यूज नेशन पर। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। ₹140 करोड़ लोग हैं देश में, फिर भी असल मुद्दों पर लोग क्यों मौन हैं? खड़े हैं हजारों सवाल, फिर जवाब देने में क्यों है तंग हार? जानकारी का सूखा दूर कीजिए और हर दिन मुद्दों की गहराई में उतरिए। बेमतलब के विश्लेषण में मत उलझिए, खबरों को परत दर परत समझिए। सिर्फ एक नजरिया कुछ भी नहीं करता डिसाइड, हर एंगल से समझाएंगे खबर, बनकर आपका गाइड। देखिए गाइड रात 9 बजे सिर्फ न्यूज नेशन पर। नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, जहां पर बिहार में भीषण गर्मी का कहर जारी है।
मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। बक्सर, शेखपुरा, गोपालगंज और पटना में अलर्ट है। बक्सर में पारा 46.5 डिग्री तक पहुंच गया है। तो मौसम विभाग ने इसको लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया है, कई जिलों में 45 डिग्री के पार ये पारा बताया जा रहा है। बक्सर, शेखपुरा, गोपालगंज और पटना में अलर्ट जारी करना पड़ा है, इस कदर गर्मी। पूरा बिहार इस वक्त हीट वेव और लू से परेशान है। बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। इसके कारण कई लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन अब हरकत में आ गया है। पटना डीएम ने सदर अस्पताल गुरु गोविंद सिंह का निरीक्षण किया और डीएम ने अस्पताल में मौजूद व्यवस्थाओं को देखा है। पटना डीएम के इस औचक निरीक्षण में अस्पताल में कई खामियां पाई गई, जिसको समय रहते पूरे कर लेने की बात भी डीएम ने कही है। तो वहीं डीएम ने पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण करने के बाद कहा कि भीषण गर्मी पड़ रही है और उसी को देखते हुए हम यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हीट वेव, लू और चमकी बुखार से बचने के लिए यहां पर क्या व्यवस्था है, उसे हमने देखा। देखिए, हीट वेव, लूज, ISJE, चमकी बुखार की तैयारियों के लिए ये हमने विजिट यहाँ पे किया गया है। हीट वेव के लिए अलग वार्ड जो है गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में यहाँ पे बनाया गया है। 24/7 डॉक्टर्स यहाँ पे हैं। जो हमारा MCH जो है मैटरनिटी वार्ड है और जो छोटे बच्चों है उनके केयर के लिए जो वार्ड बनाया गया है उसका एक निरीक्षण किया गया है। कुछ कमियां भी पाई गई है, पंखे कुछ कम चल रहे थे, उसका भी डायरेक्शन दे दिया गया है। AC भी कुछ जगह पे माल फंक्शनिंग था। दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, BMSICL की दवाएँ यहाँ पर बट रही थी। जो स्किन डिसीजेस है गर्मी के कारण, उसके पेशेंट थोड़े सी संख्या यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। बाकी जो है ORS और अन्य जो दवाइयाँ है जो लूज के लिए होती है, डायरिया के लिए होती है, वो भी यहाँ पे जो है उपलब्ध है। और बिहार में भीषण गर्मी का कहर जारी है, कई जिलों का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी से अब लोगों की जान भी जा रही है। ताजा मामला छपरा का है, जहां मशरक थाना इलाके में हीट स्ट्रोक से दो की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग बीमार हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती तक कराया गया है। जहां सभी का इलाज चल रहा है, तो वहीं राज्य में बढ़ते गर्मी को लेकर के डॉक्टरों ने बताया है कि ज्यादा देर धूप में रहने से हीट स्ट्रोक की समस्या होती है। यदि उल्टी, दस्त और शरीर का उच्च तापमान हो तो निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए जरूर जाएं। अस्पताल के बगल का ही एक टोला है, शास्त्री टोला, वहाँ से एक मरीज को उनके परिजनों ने लाया था। वो हीट स्ट्रोक के शिकार हुए थे और अस्पताल जब पहुँचे थे तब तक वो मृत थे। हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और मृत घोषित कर दिया। अरवल जिले में चिलचिलाती धूप और लू की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। जिले में चल रहे हीट वेव के कारण दोनों की मौत हुई है। तो वहीं दोनों मृतकों के बारे में सदर अस्पताल में तैनात डॉक्टर रजनीश कुमार ने बताया है कि दोनों की मौत लू के कारण हुई है। यहां आपको बता दें कि बिहार में भीषण गर्मी का कहर जारी और कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार हो गया है। गर्मी को लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दो ब्राउड डेड लाए गए थे, दोनों यहाँ पर आए थे तो उसमें ब्राउड डेड ही था, जो कि हीट स्ट्रोक का ही मामला है। कैसे, कितने उम्र होंगे उन लोग को? एक तो 60, एक तो होंगे लगभग 62 साल के और एक उम्र 74 साल है। मैंने क्या लग रहा था सर कि हीट वेव के? हाँ, हीट वेव के वजह से हीट स्ट्रोक हुआ है और एक उम्र के वजह से भी आपको मॉर्बिडिटी कंडीशन भी उनके साथ था, जिसके वजह से उनकी डेथ हुई। अभी तक कितने लोगों की डेथ हुई है यहाँ पर? तो अभी दो लोग की डेथ हुई है आज ब्राउड डेड में और कुछ भर्ती भी हुए हैं जो कि ठीक हुए हैं। और खबर रांची से, जहां पर प्रचंड गर्मी से झारखंड के लोग बेहाल। गर्मी को देखते हुए झारखंड सरकार का आदेश सामने आया है। 15 जून तक राज्य के सभी स्कूलों को बंद करने का यह आदेश रांची मौसम केंद्र ने पूरे झारखंड में जारी किया है रेड अलर्ट। तो प्रचंड गर्मी से झारखंड के लोग जहां एक और बेहाल है, गर्मी को देखते हुए झारखंड सरकार ने अब एक्शन लिया और आदेश दिया है कि 15 जून तक राज्य के सभी स्कूलों को बंद किया जाए। दरअसल चिलचिलाती धूप में बच्चों को स्कूल के बाद घर जाना पड़ता था, खासा दिक्कतों का सामना
जहां सभी करते हुए नजर आ रहे हैं इस चिलचिलाती धूप में, तो वहीं बच्चों का ख्याल करते हुए ये फैसला झारखंड सरकार की ओर से लिया गया, जहां पर यह कहा गया है कि 15 जून तक राज्य के सभी स्कूलों को बंद किया जाए। जमशेदपुर में भीषण गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि बिना काम के घरों से बाहर न निकलें, जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलें और पेय पदार्थों का सहारा लेते रहें, शरीर को पूरी तरह से ढक करके निकले ताकि लू ना लगे। डॉक्टर भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर जरूरी काम से निकल रहे हैं तो पूरी तरह से लू से बचाने का प्रयास करें। और जमशेदपुर में तापमान की अगर बात की जाए तो लगभग 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। बिना काम के घर से बाहर निकलने पर रोक भी लगाई गई है। बाइक वगैरह से निकलना काफी मुश्किल हो गया है। हम लोगों को भी इंतजार है कि कब जल्दी से जल्दी बारिश आए, 15-20 दिन के अंदर आशा है कि आ जानी चाहिए। इच्छाएं क्या करती हैं गर्मी में? इच्छाएं करती हैं कि घर के अंदर थोड़ा बैठे, ऑफिस में ही रहें, फील्ड में ज्यादा ना निकले। हाँ, और ये है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने का भी ये रहता है, जरूरी रहता है, पानी पीते रहना चाहिए, नींबू पानी वगैरह। क्या अनुमान है कितना गर्मी और पड़ने आगे पड़ेगा? मुझे तो लगता है मैक्सिमम लिमिट तक रीच कर चुका है और काफी दिन भी हो गया है, तो इस हिसाब से लग रहा है बारिश कुछ दिन में 15-20 दिन के अंदर आना। अभी तो गर्मी काफी बढ़ गया है, जिसके चलते बहुत ही मुश्किल हो रहा है बाहर निकलने के लिए। कोई भी काम करने के लिए बाहर जाओ तो शाम के बाद ही निकलना पड़ता है, तो काफी ज्यादा ही गर्मी बढ़ते जा रहा है। और जब भी थोड़ा मौका मिलता है तो कहीं ठंडा पानी, ठंडा लस्सी, ठंडा जूस, वही जहाँ भी मिलता है वही ले लेना ही सही है अभी का टाइम। जमशेदपुर में कंपनी होने के कारण ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्या अनुमान है? ये हो सकता है, यहाँ पे टाटा स्टील कंपनी है, बहुत सारा छोटा मोटा कंपनी है, जिसका चलते गर्मी बढ़ते जा रहा है और बारिश भी जमशेदपुर में कम हो रहा है बाकी कंपैरिजन। हाँ, मानसून तो लग रहा है 10-15 दिन में आ जाना चाहिए। वन पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने पटना जू में बने हुए 2 किलोमीटर में से अधिक ठंडी सड़क का उद्घाटन किया है, खासकर विशेष रूप से इस रास्ते पर पेड़ पौधे लगा करके इस रास्तों को प्राकृतिक रूप से ठंडा किया गया है। पटना जू में वर्षा वन के पौधे भी अब लोग देख सकते हैं। मंत्री प्रेम कुमार ने पटना जू में स्थित फर्म हाउस का भी उद्घाटन किया। पूरे फर्म हाउस में पानी के फव्वारे लगातार बरसाने के लिए विशेष तैयारी की गई है। बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए नेचुरल एजुकेशन कैंप 2024 का उद्घाटन भी किया गया। अनाथालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह विशेष नेचुरल एजुकेशन कैंप 2024 का आयोजन किया गया है, ताकि अनाथालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। जो बिहार का गौरव है और देश में चौथे स्थान पर जाकर के, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे जू के जो डायरेक्टर हैं सत्यजीत कुमार जी, उनका लगातार बेहतर प्रयास हो रहा है और सरकार के स्तर पर विगत वर्षों में कई अहम फैसले लिए गए हैं, इसका परिणाम दिख रहा है। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तीसरे कृषि रोड, चौथे कृषि रोड मैप में भी प्राथमिकता दी गई है, और जिस तरह मौसम बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती जा करके है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा भी बदलते मौसम से निपटने के लिए वो तैयारी, बेहतर तैयारी कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया का निगाह मोदी जी के और लोगों का जा करके है, और मुझे खुशी इस बात की आज हो रही है जो हालात पैदा हुए हैं पूरे देश दुनिया में, अभी जैसे गर्मी पड़ रही है, आग गिर रहा है, चलना दोहर लोगों हो गया है, घरों में रहना भी मतलब काफ़ी कठिनाई लोग हो रही है। उस समय उस हालात में आज जू में हम सब नेचर एजुकेशन और 4 दिनों का चलने वाला है, कई एक्टिविटीज मैं देख रहा हूँ, तो मेन जो है वुड आर्ट नेचर बेस्ड थीम है। यार सीएम चंपई सुरेन ने की है विभागों की समीक्षा और अफसरों के साथ 16 विभागों की यह समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री चंपई सुरेन ने अधिकारियों को निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। अब हुआ आवास योजना की दूसरी किस्त की राशि करें जारी, यह निर्देश दिया गया है। अब हुआ आवास योजना में तेजी लाने का भी आदेश दिया गया है। लाभुकों के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए, अनियमितता और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करें। म्यूटेशन को लेकर के मुख्यमंत्री चंपई सुरेन सख्त हैं। हजारीबाग, रांची, गिरिडीह, पलामू में होगी जांच।
म्यूटेशन प्रक्रिया की गति धीमी होने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो सीएम चंपई सोरेन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जहां एक और वो समीक्षा की है तो वहीं तमाम निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। और वहीं आगे बढ़ेंगे और बात अगली खबर की करेंगे, जहां पर तमाम चीजों की बात यहां पर करते हुए सीएम चंपई सोरेन ने विभागों की समीक्षा अफसरों के साथ 16 विभागों की भी समीक्षा की है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, अबुआ आवास योजना की दूसरी किस्त जारी की और उसके साथ ही अबुआ आवास योजना में तेजी लाने का आदेश दिया है। और जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन से कांके रोड रांची स्थित आवास पर लोहरदगा के नव निर्वाचित सांसद सुखदेव भगत ने शिष्टाचार मुलाकात की है। गौरतलब है कि कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा को हरा करके विजय हासिल की है। चुनाव में जीत के बाद वे झारखंड विधानसभा में विधायक के पद पर शपथ भी ले चुकी हैं। तो वहीं दूसरी ओर सुखदेव भगत लोहरदगा लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। झारखंड में लोकसभा के नतीजों पर कांग्रेस ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में कांग्रेस प्रभारी गुलाम मीर, सांसद, विधायक और जिला प्रभारी सहित अलग अलग प्रकोष्ठ के प्रभारी भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद कांग्रेस प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा है कि ये लड़ाई सिर्फ एनडीए के साथ नंबरों की नहीं थी, बल्कि हम गरीबों और बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि 400 के पार का जो डिजाइन संविधान बदलने की कोशिश थी, जिसका हमने मुकाबला किया और हमने इसे बचाने की लड़ाई लड़ी, लेकिन जनता ने उन्हें जवाब दिया और हमने जो लड़ाई लड़ी है वो हमने जीती। ...2024 चुनाव की प्रक्रिया तकरीबन पीछे 4 जून को कंप्लीट हुई और देश ने एक अपना फैसला दिया। जब हम उस ओवरऑल फैसले को देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि एक तरफ एनडीए था हेडेड बाय बीजेपी, एक तरफ इंडिया था हेडेड बाय कांग्रेस। एनडीए में जो बीजेपी था और प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने इस 2024 को अपना एक टारगेट लेकर वो चले थे, जो उनका हमेशा परंपरागत आदत है कि चुनाव से पहले हम इतना लेंगे। तो वही 2024 में भी उन्होंने 400 क्रॉस सीटें अपना टारगेट बनाया था। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक, खासकर कांग्रेस पार्टी, हमने कोई नंबर नहीं बताया, क्योंकि ये चुनाव हमारे लिए नंबर्स की ही लड़ाई नहीं थी। सिर्फ हमारे लिए ये 2024 का चुनाव आम जनता, गरीब, नौजवान, किसान, महिलाएं, उनके इश्यूज को लेकर के हमारा पहला टारगेट था। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना इलाके में लड़कियों के साथ हुए गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मामले को लेकर के पुलिस ने बताया है कि थाने में बीते 7 जून 2024 को दर्ज प्राथमिकी के मुख्य आरोपी रावण सोरेन और पतरास मुर्मू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अभियुक्तों के द्वारा पूर्व से योजना के अनुसार अंजाम दिया गया था और दोनों अभियुक्त अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मामला में पुलिस नामजद कांड दर्ज की थी, मतलब पीड़िता के भाई के बयान पर नामजद केस हुआ था रावण के खिलाफ, सोरेन और कुछ अन्य लोग थे। तो पुलिस उसमें एस आई टी का गठन करके और उसने 2 व्यक्तियों को पकड़ी, अरेस्ट किया, जो दोनों जेल जा रहे हैं, रावण और पतरास मुर्मू। ये 2 आदमी अरेस्ट हो चुके हैं, बाकी के लिए छापेमारी जारी है। क्या कुछ घटना घटी थी सर?
दोनों बच्चियाँ घूमने गई थी, उसका एक कोई मित्र था जो साथी घूमने ले गया था। बाद में वही मित्र अपने और साथी को बुलाकर उसके साथ गैंग रेप की घटना कारित किया। पुलिस कांड दर्ज करके अनुसंधान की, जो अरेस्टिंग हुआ, बाकी अरेस्टिंग की छापेमारी जारी। मुंगेर जिला के असरगंज प्रखंड के प्राथमिक स्कूल की जमीन पर दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण कर सरकारी स्कूल के जमीन पर मकान बनाया जा रहा है, तो वहीं ग्रामीणों ने मकान निर्माण पर रोक लगाने को लेकर के असरगंज अंचलाधिकारी और प्रखंड पदाधिकारी को आवेदन दिया है। तो वहीं एबीवीपी के छात्र नेता अजीत ने बताया है कि स्कूल के भवन निर्माण के लिए लगभग 1 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, लेकिन अधिकारी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जिससे आशंका है कि राशि कहीं वापस ना हो जाए। मुंगेर जिला के मकवा पंचायत में है और यहाँ पे नवसृजित विद्यालय के लिए जो है भवन बनना था, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे भवन का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के सीओ को कुछ ग्रामीणों ने भी आवेदन दिया है। ऐसे में यहाँ पे जो अभी भवन निर्माण कर रहे हैं उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे क्या मामला है। ये क्या क्या बोलेगा सर, बोलिए। मतलब ये मकान आपका है या फिर? ये मकान तो मेरा है, ये है सर। तो ग्रामीणों का आरोप है कि पहले बोल देता हम रोक देते, पहले बोल देता हम काहे के लिए हम बनाते, अगर बोल देता तो हम काहे के लिए इतना खर्चा करते जी, सर जी। यही बोल रहे हैं वो, दूसरा क्या बोलेंगे और दूसरा हम क्या बोलेंगे। आपके पास गए तो क्या वो बोला कि इंक्वायरी करेंगे, अगर जमीन पुड़ेगा तो बनेगा, नहीं तो रिटर्न होगा। राशि भी आवंटित हो गई है, ये हो गया, पहले हो गया, हमको कोई रोक नहीं था। अगर रोकता तो हम नहीं बनाते, अगर समाज बोल देता तो हम यहाँ नहीं बनाते। वार्ड भी बोला, सब चीज़ किया कि बनाओ, सब ने बनाया है, बनाइए। वार्ड से भी पूछा गया है कि यहाँ पे बना रहे हैं, कोई दिक्कत? बोला कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए फिर अब क्यों, मतलब दिक्कत हो रहा है? अब दिक्कत हो रहा है लोग को कि यहाँ पे एप्लीकेशन लिख के डाल रहा है कि गज मजरवा जमीन आ गया है। ठीक है, आ गया है तो हमको जिस टाइम बोलेगा कि हम स्कूल यहाँ बनेगा, हमारा कोई तकलीफ ना है। हम इसको जखनी बोलेगा कि यहाँ हटा लो तो हम हटा लेंगे, अभी बोलेगा इसको काट के ख़त्म कर दो, हम अपना ख़त्म कर लेंगे, उससे हमको कोई दिक्कत ना है। आपका स्कूल आया है बनाइए, सरकार का ज़मीन हम क्यों रोकेंगे, बस यही बात है। और बोलिए, आपका घर द्वार है तो रोड पर निकलेगा कैसे? आप इसको पूरा हाथा मार दीजिएगा तो कैसे निकलेगा? मतलब क्या कहना है, ये जो जमीन है जी। जो कि ये बोल रहा है कि राजपत्ति है जी। इसके पीछे घर भी है और लोग जो घर बनाएगा तो निकलेगा कैसे रोड पे? मतलब वो भी बंद कर दिया गया, वो भी बंद हो ये जाएगा जी। ये स्कूल बनाने से बनने न होगा तो इस चीज का मतलब आप लोगों को तकलीफ है कि यहाँ पे मतलब परेशान किया जा रहा है। तब क्या कर रहा है ये लोग शुरू से ऊ टोला का जितना भी लोग है सब हरामी है, ये है इधर जनता। हमारा पीछे घर है, जितना भी है 10 का घर है, उसको रास्ता चाहिए सबको। यहाँ पे जमीन तो आपको भी दिख रहा है कितना है, सब ग्रामीण को रास्ता चाहिए। उसके बाद अगर स्कूल अच्छा लगेगा सरकार को तो बनाएगा, हमको 10 फीट रास्ता चाहिए, आगे मेरा भविष्य कैसे निकलेंगे, पीछे में मेरा जमीन है, निजी जमीन। मामला ये असर है कि इसके पहले भी सीओ साहब के पास मिला था वो कागज, हम लोग पूरा गांव के समाज से, कोई पर्सनल नहीं, सब लोग मिल करके हमको बोले दो, सब लोग मिल करके जो है आवेदन दिया था कि यहाँ पर स्कूल बनाया जाए, तो सीओ साहब ने आवंटित कर NOC होता है जो होता है वो दिया कि भाई यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर बनेगा। तो फिर पैसा उसमें आया नहीं तो उसका घेराबंदी होना था लेकिन हो नहीं पाया। जिसके घर है पीछे घर है उसका, वो आगे नहीं बनने दे रहा है अपना, वो देखिए बना रहा है घर। कभी कोई प्रशासन आए इसको लेकर के? आप लोगों ने आवेदन दिए है सर, कोई भी नहीं किया है अभी तक किसी प्रकार का? कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं किया है। कि जो विद्यालय का राशि आया है भवन निर्माण के लिए वो होना चाहिए, बच्चे के लिए तो होना चाहिए सर। वापस भी होने का डर है? हाँ, वापस होने का डर है, नहीं बनेगा तो वापस होगा। एक बार और आया हाई स्कूल तो चल गया दूसरा गाँव। जो यहाँ पे रोका जा रहा है बनाने के लिए, पैसा भी आ गया है लेकिन वो बनने नहीं दे रहा है। कारण क्या है? कारण वो अपना आगे घर बना लिया है, मतलब बंगला टाइप का बना लिया है। ग्रामीणों को कहना है कि पीछे से रास्ता, हाँ रास्ता उन लोग को दे दिया जाएगा, फिर बन जाएगा स्कूल भी। तो सीओ साहब इस चीज पर कभी पहल की? सीओ साहब को नोटिस दिया गया है सर, वो फिर उधर से कुछ आएगा तब ना। नहीं चाहते बनना चाहिए।
एक पक्ष जो जमीन पे अपना भवन निर्माण कर रहे हैं वो उनका कहना है कि ये हम अपने जगह अपने जमीन पर यहाँ पे भवन का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में वहाँ पे जो हम अभी स्थल पर देखा तो उन्होंने कहा कि आने जाने का रास्ता नहीं है, हम अपनी जगह पर ये काम। नए सर सीओ साहब के द्वारा आवेदन एनओसी सर दिया गया जिसमें सर उसमें रास्ता भी है, जो सीओ साहब एनओसी काट के दिए हैं उसमें सर स्कूल के लिए जमीन भी है सर, और सीओ साहब के द्वारा एनओसी काट के उसमें रास्ता भी दिया गया सर। वो सर जमीन 2017 में सीओ साहब के द्वारा आवंटित किया गया जिसमें सर 1 करोड़ रुपया भी आया, पांच बिल्डिंग सर और 1-2 बाथरूम और 1 रसोईया घर बनना है, जिसका सर राशि जय साहब के पास आ भी चुका है लेकिन सर कुछ दबंगों के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया, जिसमें सर लिखित आवेदन पंच और वार्ड के द्वारा मास्टर साहब के द्वारा सर लिख उख के 70 आदमी के द्वारा दिया गया आवेदन सर, अभी तक इसमें सर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। वर्तमान में जो क्लास हो रहा है बच्चों पर कहाँ हो रहा है? ये समुदाय भवन में सर चल रहा है जिसमें 2 शिक्षक है, 80 बच्चा है सर। डीएम साहब से यही आग्रह इसको सर जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त करवा के स्कूल बनाया जाए, इसके लिए हम डीएम साहब का सदा आभारी रहूंगा। वो जगह किसका है? वो सर जगह सरकारी है सर, बिहार सरकार है सर। क्या वो बिहार सरकार का? हाँ हाँ वो बिहार सरकार है, और एक बार कॉलेज आया था जगह नहीं देने के कारण दूसरे गांव में चला गया, इस बार स्कूल आया तो हम लोग चाहते हैं कि वहां जगह है तो बनना चाहिए स्कूल, क्योंकि हमारे समाज का बच्चा ही पढ़ेगा, कहीं दूसरे गांव जाएगा पढ़ने तो वो सही नहीं आया है फंड। तो क्या लगता है यहाँ पे भवन विद्यालय बनने से यहाँ का बच्चा जो है यहाँ पे ही पढ़ेगा? नहीं नहीं बनना चाहिए। तो आखिर क्यों वो लोग विरोध कर रहे हैं? कब्जा कर लिए हैं उसी का मन। साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जो है जो जमीन पे जो इस जगह पे विद्यालय का निर्माण होना था वहाँ पे अतिक्रमण कार्यों का कब्जा है, ऐसे में अब जिला प्रशासन से इन्होंने गुहार लगाया है कि यहाँ पे साफ साफ जो है उचित कार्रवाई हो। मुंगेर से न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए गौरव मिश्रा। सहरसा के सदर थाना इलाके में मंगलवार को दिन दहाड़े हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने महज 4 घंटे के अंदर ही मामले को सुलझा लिया है। फाइनेंस बैंक प्रबंधक और कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया है कि फाइनेंस कर्मी ने बताया कि पिछले 10 दिनों का बैंक का कलेक्शन किया हुआ पैसा यूनियन बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे, तभी बाइक सवार 3 लोगों ने हथियार के बल पर 8,53,000 रुपए लूट लिए। तो वहीं पुलिस ने जब घटनास्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो पता चला कि बाइक सवार 3 अज्ञात अपराधियों को नहीं दिख रहे थे। कर्मी के बयान में विरोधाभास था। तो वहीं पुलिस ने फाइनेंस कर्मी को संदिग्ध मानते हुए उसके घर की तलाशी ली तो उसके घर से 8,32,000 रुपए बरामद हुए हैं। फिर फाइनेंस कर्मी से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सारे राज उगल दिए। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सूचना मिली कि एक व्यक्ति हैं जो सीएसपी संचालक कलेक्टर एजेंट का काम करते हैं, राजनंदन कुमार पिता महेश मिस्त्री, जिन्होंने फ़ोन करके बोला कि यह जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मी हैं और बसहा बैल चौक मतलब गंगा झील के पास यह जो कलेक्शन का पैसा है कुल 8,53,000 के आसपास इन्होंने बोला था उसको कुछ अज्ञात अपराधियों ने अपाची बाइक से आके लूट लिया है और इन्हें चाकू से जख्मी भी कर लिया। यह घटना काफ़ी गंभीर थी। तुरंत एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई उसी समय और जो टीम थी वो अपना काम करना शुरू कर दी। राजनंदन कुमार के घर की तलाशी ली गई तो उनके घर से हम लोगों ने 8,32,000 रुपये बरामद किए और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने जो अपना जुर्म है ये इन्होंने कन्फेस किया। इन्होंने यह बोला कि जो जाना स्मॉल बैंक फिनांस के जो मैनेजर हैं राजीव रंजन, उनके साथ मिलकर इन्होंने यह प्लानिंग की थी कि यह पैसा है लूट दिखाएंगे और यह पैसा खुद वह रख लेंगे। छपरा में सुबह सुबह कोर्ट जा रहे 2 वकीलों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों वकील पिता पुत्र बताए जा रहे हैं। तो वही घटना छपरा मुफस्सिल थाना इलाके की है। लोगों का कहना है कि दोनों कोर्ट जा रहे थे तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल परिसर में स्थानीय लोगों के अलावा परिजन और काफी संख्या में वकील पहुंच गए और नारेबाजी की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
प्रशासन के कोई अतः पता नहीं, अभी तक कोई पता नहीं आया है कि नहीं आया है। और सरेआम रोड पर गोली मार करके अपराधी वहाँ से भाग गया। दो दो डेथ हुआ है बड़े पदाधिकारी अभी तक नहीं है। बाप बेटा अभी तक कोई बड़े पदाधिकारी का यहाँ तक पता नहीं है। दो अभी तक कोई नहीं आया। ये दोनों आपस में कौन है? जहानाबाद में कबाड़े की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, तो वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। पीड़ित दुकानदार चंदन केसरी ने बताया कि इस घटना में लगभग 8 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। दुकानदार ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले मेरे बगल की दुकान में एक होटल चलाने वाले से झगड़ा हुआ था। उसने कहा था कि तुम्हारे दुकान में आग लगा दूंगा। उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 6 बजे हम दुकान बंद करके चले जाते हैं और कर बाद रात भर मैंने घरे रहे हैं तो 10-11 बजे यहाँ से फ़ोन किया कि साधु तुर दुकान में आग लग गई। हम यहाँ दुकान में आग लग गए तो हाँ, तो वहीं हमने उठ के सब बाले बच्चे दौड़ के हाँ फाँप पे अली तो यहाँ देखे दी समूचे हमारे संपत्ति लग गए। तो फिर दमकल उमकल बड़ी आल 6-7 गो दमकल बड़ी गाड़ी आल आदमी जनता फिर 7-8 लाख से ज़्यादा की संपत्ति नुकसान हो गई भैया। सब जरा दिल के की आग लगाया कुछ परसों। हाँ, गोरेलाल के बेटा काहे के लिए परसों मारबो करके बाबूजी के लड़ाई झगड़ा होले है वही के चलते विवाद में आ जैसे करल के। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। कावेरी एसी फास्ट हेयर कलर बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी एसी फास्ट हेयर कलर इजी भी और फास्ट भी। मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले, वीडियो पर यकीन करने से पहले, हर फॉरवर्ड को सच मानने से पहले जरूरी है कि देश आंखें खोल कर देखे। देश को अफवाहों से बचाने वाला शो लाइव डिटेक्टर टेस्ट सिर्फ न्यूज नेशन पर। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर इजी भी और फास्ट भी। ₹140 करोड़ लोग हैं देश में, फिर भी असल मुद्दों पर लोग क्यों मौन हैं? खड़े हैं हजारों सवाल, फिर जवाब देने में क्यों है तंग? जानकारी का सूखा दूर कीजिए और हर दिन मुद्दों की गहराई में उतरिए। बेमतलब के विश्लेषण में मत उलझिए, खबरों को परत दर परत समझिए। सिर्फ एक नजरिया कुछ भी नहीं करता डिसाइड, हर एंगल से समझाएंगे खबर, बनकर आपका गाइड। देखिए गाइड रात 9 बजे सिर्फ न्यूज नेशन पर। दुनिया का दायरा छूटता नहीं, नापी जाती है देश की खबरों की नब्ज। कोई लाग लपेट नहीं, खबरें सीधी और सपाट, पक्की नजर और थकड़ंदाज में। देखिए अनुराग दीक्षित के साथ लाख टके की बात सिर्फ न्यूज नेशन पर। नीट में जो इस बार अभ्यर्थी अपेयर हुए थे वो सब अब इकट्ठा होने लगे हैं जंतर मंतर पर और अपना विरोध जो है वो दर्ज करा रहे हैं। आप देखिए हाथों में री नीट के पोस्टर लेकर और उनके पेरेंट्स भी उनके साथ बैठे हैं, वो चाह रहे हैं कि दोबारा से यहाँ पर जो है वो किया जाए। उनसे बात करते हैं हम लोग, क्या कहना चाह रहे हैं आप, समस्या क्या हुई इस बार की नीट के पेपर लीक
था उस पर शुरू में तो इतने कंप्लेंट्स के बाद भी इतने ज्यादा रैंक इंप्लीमेंटेशन के बाद भी इतने मार्क्स भी कॉलेज ना मिलने के बाद इतनी हाई कट ऑफ के बाद स्टिल ये कह रहा है कि जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ था। तो फिर जो पटना पुलिस ने अरेस्ट किया राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट किया आदमी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि या तो एनटीए झूठ बोल रहा है या फिर पुलिस वालों ने जो अरेस्ट किया वो गलत किया। आप कहां पेयर हुए थे सर? मैं हरियाणा के डीएम स्कूल जी एज अ कंप्लीट शर आपका जी में सेंटर दे आर सेइंग दैट आप यू नो दिस इज नॉट गुड एंड इतना बहुत ज्यादा बाकी इसके आप लोग विल आल्सो ट्राई एंड सी इफ वी कैन गेट इन सम ऑफ कॉलर्स हु आर जॉइनिंग इन बिकॉज़ ऑफ द लास्ट 24 आवर्स से कोई अच्छा फैसला आएगा बट ऐसा कुछ नहीं हुआ ना काउंसलिंग पर इसके लगा और ना ही हमारी कॉलेज और एनटीए से हम जवाब मांगते हैं तो वही पुराने के सभी जवाब दे देते हैं कोई ठीक से जवाब नहीं देते। तो इस चीज पर हमने सोचा है कि हम ये सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे यहीं से हम अपनी मांगे पहुंचाएंगे। दिक्कत कहां आ रही है सबसे? दिक्कत सर ये है कि एकदम से इतनी रैंक इन्फ्लेशन हो नहीं सकती जो कि इम्पॉसिबल है नियरली। और अगले 10 सालों के भी रिकॉर्ड पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड्स देख लीजिए या अगर ठीक से रिजल्ट वो एग्जाम चलते हैं तो अगले 10 सालों में भी इतना रैंक इन्फ्लेशन नहीं हो सकता था जो इस साल एकदम से इतना रैंक इन्फ्लेशन हो चुका है। आपने भी अपील किया था इस बार? नहीं नहीं मैं समर्थन में आए हैं हम लोग उसके कार्यकर्ता हम हैं और हम छात्रों के समर्थन हैं। क्या था एग्जाम में 643 मार्क्स आए उसमें मेरी रैंक बन गई 35,000 और इसी मार्क्स पर लास्ट ईयर रैंक बन गई थी 9,000 11,000 मैंने रेट किया था मेरी रैंक 12,000 13,000 14,000 चल जाती पर ये एकदम से 35,000 में स्पाइक आया। इसका रीज़न मुझे भी पता नहीं है ना मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ क्या रीज़न हो सकता है उसका। मेरे हिसाब से ऐसा रीज़न हो सकता है मास पेपर लिखे फिर हमारे इंडिया के बच्चे एकदम से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं और ग्रेस मार्क इन्होंने किया उनके ऊपर कोई बेसिस नहीं बताया उन्होंने बस एक कोट कर दिया कि हमारे डिसीजन है 2018 का वो बताइए इसके हिसाब से हमने दिया। पर वो तो ऑनलाइन पेपर था उसमें आप एफिशिएंसी कैलकुलेट भी कर सकते हैं ये तो पेन पेपर बेस्ड पेपर है कैसे एफिशिएंसी कैलकुलेट हो रही है और पहले और टाइम के वजह मार्क्स कॉम्पनसेट किया और एक एक मार्क्स में हजार हजार रैंक आगे पीछे हो सकती है एक एक मार्क्स से कॉलेज अच्छे अच्छे कॉलेज छोड़ सकते हैं एकदम से नहीं दे सकते। और बीच में ऐसे कभी केस नहीं आए थे इन्होंने कि ग्रेस मार्किंग दी है जी इसी बार 2018 के बाद एकदम से 2024 में आई है। बच्चों में निराशा है पेरेंट्स में निराशा है और निराशा यही है कि अगर रीअपेयर होना पड़ेगा उनको तो फिर ऑलरेडी काउंसलिंग हो गई होगी इस चीज़ को लेकर सब लोग निराश हैं। और सुप्रीम कोर्ट से हालांकि अभी सुनवाई इस मामले में आगे भी होनी है 8 जुलाई तक के लिए जो है नोटिस किया गया है एनटीए को एनटीए को जवाब देना होगा लेकिन सवाल तो इस परीक्षा पर खड़े हो ही रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ मोहित बख्शी नेशन दिल्ली। पश्चिमी चंपारण बेतिया से नवनिर्वाचित सांसद संजय जायसवाल शपथ ग्रहण के बाद बेतिया पहुंचे। बेतिया पहुंचने के बाद उन्होंने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रधानमंत्री ने मेरे बेतिया को बड़ी सौगात दी है जिसमें रक्सौल दिघवारा मेन रोड दूसरा नौतन होते हुए गोरखपुर सिल्लीगुड़ी तक जाने वाली सड़क जो 6 लेन की होगी 6 लेन की यह सड़क बनकर जिस दिन तैयार होगी हमारे पश्चिमी चंपारण के लोगों का आना जाना का समय जो ज़्यादा लगता है वो कम हो जाएगा। भारतमाला फेज टू में पश्चिम चंपारण लोकसभा के लिए 2 उपहार भी स्वीकृत हुए हैं। पहला रक्सौल दिघवारा हल्दिया प्रोजेक्ट को भारतमाला फेज टू में स्वीकृति मिल गई है जिससे कि रक्सौल से पटना जाना महज 2.5 घंटे का रास्ता हो जाएगा और दूसरा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे को भी स्वीकृति मिल चुकी है सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिल चुकी है। यह मेरे नौतन प्रखंड से होके गुजरेगा और फुलियाखाड़ इलाके में 6 लेन का एक पुल बनेगा। इसके कारण महज बेतिया से गोरखपुर की दूरी 1.5 घंटे की और पूर्णिया की दूरी 4.5 घंटे की हो जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि कल प्रधानमंत्री जी के यहाँ बैठक के बाद यह निर्णय ले लिया गया कि पूरे देश में जो प्रधानमंत्री आवास योजना पड़ा हुआ है उसको जल्द से जल्द चालू कराया जाए और लोगों तक घर बनवाने का काम किया जाए जिसमें हम लोग लग गए हैं। बिहार में विगत 3 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना एक तरह से बंद पड़ी हुई थी। इस साल पूरे देश में 3 करोड़ और बिहार को अकेले 38 लाख नए प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनने वाले हैं।
उन्होंने बेतिया पहुंचने के बाद प्रेस वार्ता करने के बाद उन्होंने कहा कि इसके पहले हमको बदनाम करने के लिए बेतिया की एक इलेक्टेड बद्दी नगर निगम की उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए गली कुची नली का बनवाया और बिन सड़क जो शहर के हैं उसको नहीं बनवाया। लेकिन मैं अब आ गया हूँ, अब ये नहीं चलेगा। और ये मेन सड़क जो है जो सुप्रिया से लेकर तीन लालटेन चौक तक और आप उतरवारी पोखरा से लेकर छावनी तक जो बेतिया का मेन सड़क है, जो हमारा हॉस्पिटल का मेन सड़क है, इस सब को चकाचक किया जाएगा। बेतिया से न्यू नेशन सत्येंद्र पांडे। पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सारी तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया। अभी हम धमधा अनुमंडल कार्यालय में खड़े हैं और यहां पर भी देख सकते हैं अधिकारियों की एक बैठक भी जारी है। धमधा के SDO, DSP, ODC, LR मौजूद हैं, साथ ही सभी प्रखंडों के BDO भी आए हुए हैं। और यहां जो 14 जून से नामांकन होगा, नॉमिनेशन होगा, उसकी प्रक्रिया जो शुरू होगी उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। उसके लिए काउंटर बनाए जा रहे हैं और उसमें जो ड्रॉपिंग गेट बनेंगे, 6 ड्रॉपिंग गेट बनाए जाएंगे, साथ ही पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही रुपौली विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही अब सभी दलों के कार्यकर्ताओं में एक अलग सा कह सकते हैं जोश नज़र आया है। वो इसलिए आ रहा है कि अभी तुरंत लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और विधानसभा उपचुनाव की जो घोषणा हुई इसको लेकर अब कार्यकर्ता जो रुपौली की सीट है इसको प्रतिष्ठा का विषय बनाए हुए हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ जदयू से MLA थी यहाँ पर लगातार कई वर्षों से बीमा भारती, वो राजद में चली गई और लोकसभा चुनाव लड़ा, उसके बाद ये सीट खाली ही हुई, तो राजद ने भी इसे फिर से प्रतिष्ठा का विषय बनाया है। जबकि दूसरी तरफ खुद कह सकते हैं कि नीतीश कुमार इस सीट को प्रतिष्ठा का विषय बनाएंगे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी की ये विधायक थी, पूर्व मंत्री थी, जिन्होंने पार्टी को छोड़ करके RJD को ज्वाइन किया था और विधायक की इस्तीफा दिया था जब विश्वास मत हासिल करने की बात आई थी। उस दौरान ड्रामा भी काफ़ी हुआ था जिसमें विधायक जो थे तत्कालीन बीमा भारती के पति गिरफ्तार भी हुए थे, उनके बेटे भी गिरफ्तार हुए थे। तो इस पूरे अगर मामले को देखें तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव एक पूरे बिहार में फिर से चर्चा का विषय बनेगा और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है यहाँ पर पक्ष विपक्ष के बड़े बड़े नेता लगातार कैंपेनिंग करेंगे और 14 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ नेताओं का दौरा भी यहाँ शुरू हो जाएगा। सुशांत कुमार, न्यूज नेशन, पूर्णिया। मुंगेर जिला के मकवा पंचायत में है और यहाँ पे नवसृजित विद्यालय के लिए जो है भवन बनना था, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे भवन का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के CO को कुछ ग्रामीणों ने भी आवेदन दिया है। ऐसे में यहाँ पे जो अभी भवन निर्माण कर रहे हैं उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे क्या मामला है। क्या क्या बोलेगा सर, बोलिएगा। मतलब ये मकान आपका है या फिर ये मकान तो मेरा है, ये है सर। तो ग्रामीणों का आरोप है कि पहले बोल देता हम रोक देते, पहले बोल देता हम काहे के लिए हम बनाते, अगर बोल देता तो हम काहे के लिए इतना खर्चा करते सर, यही बोल रहे हैं। दूसरा क्या बोलेंगे, और दूसरा हम क्या बोलेंगे। आपके पास गए तो क्या वो वाला की इंक्वायरी करेंगे, अगर जमीन पुड़ेगा तो बनेगा, नहीं तो रिटर्न होगा। राशि भी आवंटित हो गई, हो ये हो गया, पहले हो गया, हमको कोई रोक नहीं था, अगर रोकता तो हम नहीं बनाते, अगर समाज बोल देता तो हम नहीं बनाते। वार्ड भी बोला, सब चीज़ कहा कि बनाओ, सब ने बनाया है, बनाइए। वार्ड से भी पूछा गया है कि यहाँ पे बना रहे हैं, कोई दिक्कत? बोला कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोलिया अब क्यों मतलब दिक्कत हो रहा है? अब दिक्कत हो रहा है लोग को कि यहाँ पे एप्लीकेशन लिख के डाल रहा है कि गजमी रुआ जमीन आ गया है, ठीक है आ गया है, तो हमको जिस टाइम बोलेगा कि हम स्कूल यहाँ बनेगा हमारा कोई तकलीफ नहीं है, हम इसको जखनी बोलेगा कि यहाँ हटा लो तो हम हटा लेंगे, अभी बोलेगा इसको काट के ख़त्म कर दो हम अपना ख़त्म कर लेंगे, उससे हमको कोई दिक्कत ना है। आपका स्कूल आया बनाइए, सरकार का जमीन हम क्यों रखेंगे। पक्ष जो जमीन पे अपना भवन निर्माण कर रहे हैं वो उनका कहना है कि ये हम अपने जगह अपने जमीन पर यहाँ पे भवन का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में वहाँ पे जो हम अभी स्थल पे देखा तो उन्होंने कहा कि आने जाने का रास्ता नहीं है, हम अपनी जगह पर ये काम। नहीं सर, CO साहब के द्वारा आवेदन NOC सर दिया गया जिसमें सर उसमें रास्ता भी है, जो CO साहब NOC काट के दिए हैं उसमें सर स्कूल के लिए ज़मीन भी है सर, और CO साहब के द्वारा NOC काट के उसमें रास्ता भी दिया गया सर। वो सर ज़मीन 2017 में CO साहब के द्वारा आवंटित किया गया जिसमें सर 1 करोड़ रुपया भी आया, 5 बिल्डिंग सर और 1-2 बाथरूम और 1 रसोईया घर बनना, जिसका सर राशि जय साहब के पास आ भी चुका है, लेकिन सर कुछ दबंगों के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया जिसमें सर लिखित आवेदन
पंच और वार्ड के द्वारा मास्टर साहब के द्वारा सर लीक उक के 70 आदमी के द्वारा दिया गया आवेदन सर, अभी तक इसमें सर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। वर्तमान में साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जो है जो जमीन पे जिस जगह पे विद्यालय का निर्माण होना था वहाँ पे अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, ऐसे में अब जिला प्रशासन से इन्होंने गुहार लगाया है कि यहाँ पे साफ साफ जो है उचित कार्रवाई हो। मुंगेर से न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए गौरव मिश्रा। छपरा में हीट वेव से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और मौसम विभाग ने भी 14 जून तक लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। कुछ लोग हम इनसे जानते हैं, छपरा में गर्मी कितनी है? बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब बहुत सालों के बाद इस तरीके की गर्मी यहाँ पे दिख रही है, देह झुलस गया है। कैसे बचते हैं लोग? देखिए, जितना ज़्यादा हो सके पानी का सेवन करें, मतलब लिक्विड जितना ले सके, पानी हो जूस हो, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से, और घर में बंद ये भी नहीं कह सकते, जो कमाने वाले लोग हैं उनको तो निकलना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ जितना लिक्विड का सेवन कर सके, पानी का सेवन कर सके उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का सेवन करना है, पानी का सेवन करना है ताकि धूप से बचे। कुछ और लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो कितनी व्यवस्थाएं करके निकलनी पड़ रही है, इतना पसीना हो रहा है। देखिए, ऐसा हीट वेव तो कभी मिला ही नहीं देखने के लिए, जीवन में पहली बार है जो 41 डिग्री 44 डिग्री देखने को मिल रहा है। ये एक तरह से समझिए तो कि अच्छा संकेत नहीं है और लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और अब घर से पानी का बॉटल जरूर लेके निकलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि धूप में ना निकले और शाम के और सुबह को तरजीह देनी चाहिए। तो जितने भी लोग हैं धूप से बचने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, और आप तमाम देख सकते हैं बाजारों में जूस की दुकान है या फिर तरबूज की दुकान है, पानी की दुकान है, इस पे जो लोगों की है वो मांग बढ़ गई है और लोग यूज कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे और भी हैं जो ई रिक्शा वगैरह चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो गर्मी कितनी है और कैसे बच रहे हैं? बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत। कैसे बच रहे हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा गर्मी, हम लोग यहाँ क्या करें, छा है दुर्गा माँ के मंदिर पर, हम लोग वही सांस जी रहे हैं, पानी ठंडा पी पी के। आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी। तो सवारी मिल रही है गर्मी में? नहीं, सवारी तो अभी कम है, गर्मी का मौसम से सवारी नहीं मिलता है। तो कैसे बच रहे हैं आप लोग? वही दुर्गा चौक पर है, हम लोग लुकाए हुए हैं, गाछ वृक्ष तो यहाँ पे है नहीं, सरकार इसका व्यवस्था गाछ वृक्ष को करना चाहिए राह में और सारा जनता को देखना चाहिए इसको। तो जो तमाम लोग हैं वो अलग अलग व्यवस्थाएं कर रहे हैं, खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धूप इतनी तेज है कि इससे बच पाना मुश्किल है और इसको लेकर के सरकार ने भी अलर्ट कर रखा है कि धूप से सभी को बचना है तो सिर ढक के रखें, पानी का बोतल जो है वो साथ में रखें और ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले और ज़्यादा से ज़्यादा घरों में सुरक्षित रहने का प्रयास करें। छपरा से न्यूज नेशन के लिए विपिन कुमार मिश्रा। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी की वजह से सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो यूपी के अधिकतर जिले हैं वो भीषण गर्मी की चपेट में हैं। प्रयागराज को सबसे गर्म जिला घोषित किया गया है। वहीं अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का भी जो तापमान है, जो लखनऊ का पारा है, लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। लू की वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सुबह 9 बजे के बाद लोग घरों से निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। मौसम विभाग का भी अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी का जो ये प्रकोप है ऐसे ही पूरे उत्तर भारत में बना रहेगा। वीडियो जनसंवाद बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। एक कहावत है, प्यास जोरों की लगी है, पानी में जहर था, पीते तो मर जाते, नहीं पीते तो मर जाते। ये कहावत जो है चरितार्थ हो रहा है सदर प्रखंड के प्रतापपुर का मोनाहा टोला में, जहां लोग मजबूर हैं जहर युक्त पानी पीने को। कहा जाए तो यहां पे सभी पानी में फ्लोराइड इतने हैं कि उम्र से पहले लोग बूढ़े नज़र आ रहे हैं और कितने तो काल के गाल में समा गए। सरकार के द्वारा यहां पे 2 जल मीनार बनाया गया, एक तो पहले ही फेल हो चुका है, दूसरा बना है करोड़ों की लागत से। रंग रंग में दर्द, हाड़ी हाड़ी में दर्द, पेट में गड़बड़ी, भोजन नहीं खिलाएगा, चक्कर मारेगा, इसी सब प्रकार का है। सरकार का एक जल मीनार बना, वो भी फेल, दूसरा बना तो कभी 10 दिन कभी 15 दिन कभी 8 दिन पानी हम लोग का मिल रहेगा सुचारू रूप से। लोगों की आस जगी, कब उन्हें शुद्ध पेयजल मिलेगा? प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया, लोगों के घर तक कनेक्शन भी आ गया, पानी भी मिला, लेकिन वह पानी बूंद के समान मिल रहा है। महीने में 2 से 4 दिन वह
चलता है और बाकी दिन बंद रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब वहां जाते हैं पूछने तो उनका कहना है कि बिजली समुचित नहीं मिल रही है, मोटर खराब है, कई तरह के बहाने बनाए जाते हैं। वहां जो ऑपरेटर है उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है। परेशानी ये है कि पानी यहाँ फ्लोराइड है, फ्लोराइड के चलते जो है आदमी जो है उसमें पी रहा है तो उसमें जो है आदमी के जो है बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, यही दिक्कत है। खाना में पाचन शक्ति कम होते जा रहा है, हड्डी में बोला हड्डी उधर नॉर्मल होते जा रहा है और दांत के भी असर बहुत खराब होते जा रहा है और आदमी दर्द शरीर में दर्द हो जा रहा है पूरा शरीर में। कई बार यहां से डीसी विभाग को लिखित आवेदन दिया गया, मौखिक आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखना है कि मोनाहा टोला का कब भाग्य उदय होगा और यहाँ शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। गढ़वा से न्यूज स्टेट के लिए मैं धर्मेंद्र। पश्चिमी चंपारण के गौनाहा प्रखंड के बलबल गांव में एक किसान को बाघ ने घायल कर दिया है। आपको बता दें कि राधा महतो अपने खेत में खेत देखने के लिए गया था। सुबह 7 बजे के करीब बाघ आकर के उस पर हमला कर दिया और जांघ पर काट कर घायल कर दिया। बगल के मजदूरों के चिल्लाने के बाद बाघ ने राधा को छोड़ करके और जंगल में घुस गया। उसको उठा करके परिजनों ने अस्पताल लाया जहां उसको इलाजरत किया गया। इलाज के बाद वह अभी खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने बताया कि घायल का इलाज हम लोगों ने कर दिया है और खतरे से बाहर है। वन कर्मियों का कहना है कि अगर बाघ ने घायल किया है तो उसका इलाज विभाग करेगी, लेकिन उसके बारे में जानकारी और पता किया जा रहा है। विशेष अभी तक इलाजरत खतरे से बाहर है। न्यूज़ नेशन सत्येंद्र पांडे बेतिया। रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा के लिहाज से बहुत जल्द ब्लैक कैट कमांडो की स्थायी रूप से तैनाती की जाएगी। हालांकि देखा जाए तो आमतौर पर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था दूसरे शहरों के मुकाबले काफ़ी कड़ी नज़र आती है, लेकिन अब सरकार ने तय किया है और शासन के सूत्र बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और वहां पर ब्लैक कैट कमांडो की एक यूनिट भी स्थापित की जाएगी। देखा जाए तो पिछले 2 से 2.5 सालों में अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है और आमतौर पर देखा जाता है कि जिन शहरों में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है या फिर जो पर्यटकों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर आतंकी खतरा ज़्यादा होता है। और वैसे भी आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि अयोध्या को लेकर हमेशा ही आतंकी थ्रेट होता है। वैसे में सरकार ने तय किया है कि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर ब्लैक कैट कमांडो तैनात किए जाएंगे। हालांकि आमतौर पर अगर हम बात करें तो जब भी अयोध्या में कोई बड़ा आयोजन होता है वहाँ पर ATS के साथ साथ जो NSG कमांडो होते हैं उनको तैनात किया जाता है, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि इस व्यवस्था को स्थायी रूप से वहाँ पर लागू किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और गढ़वा जिले का प्रतापपुर पंचायत एक समय पूरे देश में छाया हुआ था। वजह थी ग्रामीणों का असमय काल के गाल में समाना। इस गांव के पानी में इतनी फ्लोराइड है कि 30 और 40 वर्ष का जवान भी बूढ़ा हो जाता है और 50 आते आते उसकी मृत्यु हो जाती है। पानी में 0 से 1 की मात्रा तक नॉर्मल माना जाता है, लेकिन इस गांव के पानी में फ्लोराइड 7.86 है, जो साफ झलकाता है कि यह पानी पीने लायक नहीं बल्कि जहर है। इस गांव में कौन अधिकारी नहीं आया, लेकिन आज हालात जस के तस बने हैं। सरकार ने इस गांव में शुद्ध पानी देने के लिए लगभग 20 करोड़ की लागत से पानी की टंकी बनाई, लेकिन ये पानी की टंकी ग्रामीणों को तरसा रही है, क्योंकि कभी 4 तो कभी 10 तो कभी 15 दिनों में ग्रामीणों को पानी मिल पाता है, जबकि इन्हें पानी की आवश्यकता हर रोज है। नतीजा यह है कि इन्हें आज भी जहरीला पानी पीना पड़ता है। पानी के तो है ही बहन, पानी बिना हम प्यास तड़प तड़प जैसे मरला वैसे जल में मछली मर रहा है। कहें जी हम सरकार घर में का ऐसा कसूर कैले हिया, जितना बड़ा हम भोगती भोगत हिया। पानी के चलते पेट में भी गैस बनावत बा, रीढ़ भी सब टेढ़ा हो गए, हाथ पैर टेढ़ा हो गए और ऊपर से दांत के भी आदमी के शिकायत बा कि दांत भी हमन के पीला पीला, बाल बच्चा परिवार सब हमन तो खैर दूसरा दिन से लेती हुई लग, बल्कि बाल बच्चा भी
चौपट होके जा रहा बड़न। अब का एकरा में सरकार हमनी के निर्णय लेवलन, यह हमन तो खुद परेशानी के पेट से हाथ पैर से रीढ़ से सब टेढ़ा हो रहा बा। जनरल मीनार बनल बा, 10 दिन कबो मिली तब 15 दिन बंद हो रही। परेशानी ये है कि पानी यहाँ फ्लोराइड है, फ्लोराइड के चलते जो है आदमी जो है उसमें पी रहा है तो उसमें जो है आदमी के जो है बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, यही दिक्कत है। खाना में पाचन शक्ति कम होते जा रहा है, हड्डी में मतलब हड्डी उधर नॉर्मल होते जा रहा है, और दांत भी दांत के भी असर बहुत खराब होते जा रहा है, और आदमी दर्द शरीर में दर्द हो जा रहा है पूरा शरीर में, रंग रंग में दर्द, हड्डी हड्डी में दर्द, पेट में गड़बड़ी, भोजन नहीं खिलाएगा, चक्कर मारेगा, इसी सब प्रकार का है। सरकार का एक जल मीनार बना, वो भी फेल, दूसरा बना तो कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 8 दिन पानी हम लोग का मिल रहेगा सुचारू रूप से। एक कहावत है, प्यास जोरों की लगी है, पानी में जहर था, पीते तो मर जाते, नहीं पीते तो मर जाते। ये कहावत जो है चरितार्थ हो रहा है सदर प्रखंड के प्रतापपुर का मोनाहा टोला में, जहां लोग मजबूर हैं जहर युक्त पानी पीने को। कहा जाए तो यहां पे सभी पानी में फ्लोराइड इतने हैं कि उम्र से पहले लोग बूढ़े नजर आ रहे हैं, और कितने तो काल के गाल में समा गए। सरकार के द्वारा यहाँ पे 2 जल मीनार बनाया गया, एक तो पहले ही फेल हो चुका है, दूसरा बना है करोड़ों की लागत से। लोगों की आस जगी, कब उन्हें शुद्ध पेयजल मिलेगा। प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया, लोगों के घर तक कनेक्शन भी आ गया, पानी भी मिला, लेकिन वह पानी बूंद के समान मिल रहा है। महीने में 2 से 4 दिन वह चलता है और बाकी दिन बंद रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब वहां जाते हैं पूछने तो उनका कहना है कि बिजली समुचित नहीं मिल रही है, मोटर खराब है, कई तरह के बहाने बनाए जाते हैं। वहां जो ऑपरेटर है उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है। कई बार यहां से DC विभाग को लिखित आवेदन दिया गया, मौखिक आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखना है कि मोनाहा टोला का कब भाग्य उदय होगा और यहाँ शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। गढ़वा से न्यूज स्टेट के लिए मैं धर्मेंद्र। और गुमला में भीषण गर्मी से जहां आम लोग परेशान हैं, तो वहीं सदर अस्पताल की व्यवस्था लोगों को विशेष रूप से परेशान करके रखा है। सदर अस्पताल में सही रूप से व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुमला सदर अस्पताल का निर्माण 300 बेड वाली बिल्डिंग के रूप में करवाया जा रहा था, लेकिन शुरुआती दौर में केवल 100 बेड का ही बिल्डिंग बन सका है, जिसके कारण आज भी मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में कई तरह की सुविधाओं का भी अभाव होने के कारण मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है। हर दिन 400 से अधिक मरीज OPD में दिखाने के लिए आते हैं, जबकि 200 से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 100 बेड वाले सदर अस्पताल में 200 मरीजों को कैसे रखा जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके सूबे की सरकार को इस बात को लेकर के थोड़ा भी गंभीरता नहीं है। इस बार जो सरकार के द्वारा अधिसूचना निकाली गई है उसमें 11 डॉक्टरों का ट्रांसफर हो गया है और उधर से 7 डॉक्टर ही आए हैं जी। तो पहले ही से ही कम था गुमला जिला में डॉक्टर्स, इस बार और कम हो गया। 143 पहले से सैंक्शन सीट था जिसमें 300 बेड के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं मिसमैच इसी में हो रहा, बट स्टिल हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बेहतर सुविधा दे सकें। बेड अगर बाहर में लगा रहे हैं तो ऐसे नहीं कि मरीजों को परेशानी, तो परेशानी हम लोग को होती है स्वास्थ्य सुविधा उनको मुहैया कराने में, लेकिन तो भी हम लोग अपना मैक्सिमम प्रयास करके उन मरीजों के को सेटिस्फाई करते हैं, उन मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए डॉक्टर और सारे मेरे स्टाफ लगे रहते हैं। तो हमारा डिमांड यही है कि हमको कम से कम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज किया जाए, मेरे हमारे बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। हमारे पास बिल्डिंग का बहुत ही कमी है, इस पर अगर सरकार ध्यान देती है और अगर हमको कुछ नया बिल्डिंग या फिर एक फ्लोर बन जाए या बगल में कहीं कुछ बना के मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मिल जाए ताकि मैं 100-150 बेड उधर एकोमोडेट कर सकूं, तो मैं और बेहतर सुविधा। हमारे गुमला जिला का एकमात्र सदर अस्पताल गुमला है, यहाँ पर सभी जगह के लोग यहाँ आते हैं उपचार के लिए, और यहाँ बेड की सख्त आवश्यकता है क्योंकि यहाँ लोग इतनी भीड़ हो जाती है और डिलीवरी के लिए भी और नॉर्मली के लिए, लेकिन यहाँ पर बेड की बहुत कमी हो जाती है।
लोग जमीन पर यहाँ सोने पर विवश हो जाते हैं। प्रशासन को यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार अगर थोड़ी सी यहाँ अपनी ध्यान आकर्षित करते हैं तो हमारे उल्ला जिला में जो यहाँ भी अस्पताल की स्थिति थोड़ी दयनीय है वो सुधर सकती है। एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर जो हॉस्पिटल है ये बीजेपी गवर्नमेंट के समय में 300 बेड का प्रस्ताव था लेकिन 100 बेड का ही बना। यहाँ पर जेएमएम की सरकार आई लेकिन उस पर कोई व्यवस्था इस सरकार भी नहीं बना पाई, जिससे यहाँ के गरीब आदिवासी लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है, अच्छी व्यवस्था नहीं है। अभी 100 का है लेकिन मरीज का आउट जो है गोइंग आउट जो है वो आपका करीब 200 से 250 है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है हम लोग को। सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो सदर अस्पताल घूमने पर ध्यान दें। राकेश जी चाहिए तो पूरे जिले से लोग आते होंगे यहाँ पे? हाँ सर, पूरे जिला के अलावा आपका जैसे लोहरदगा से कुछ पेशेंट आते हैं, इधर जसपुर जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ से पेशेंट आते हैं, सिमडेगा से कुछ आते हैं, और थैलेसेमिया का पेशेंट एक ऐसा पेशेंट है जो लोहरदगा से बराबर बी नेगेटिव का ब्लड हमारे गुमला सदर अस्पताल में ही चढ़वाते हैं और उनको हम लोग हमेशा मुहैया कराते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर इजी भी और फास्ट भी। मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले, वीडियो पर यकीन करने से पहले, हर फॉरवर्ड को सच मानने से पहले जरूरी है कि देश आंखें खोल कर देखे। देश को अफवाहों से बचाने वाला शो लाइव डिटेक्टर टेस्ट सिर्फ न्यूज नेशन पर। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर इजी भी और फास्ट भी। ₹140 करोड़ लोग हैं देश में, फिर भी असल मुद्दों पर लोग क्यों मौन हैं? खड़े हैं हजारों सवाल, फिर जवाब देने में क्यों है तंग आ? जानकारी का सूखा दूर कीजिए और हर दिन मुद्दों की गहराई में उतरिए। बेमतलब के विश्लेषण में मत उलझिए, खबरों को परत दर परत समझिए। सिर्फ एक नजरिया कुछ भी नहीं करता डिसाइड, हर एंगल से समझाएंगे खबर, बनकर आपका गाइड। देखिए गाइड रात 9 बजे सिर्फ न्यूज नेशन पर। दुनिया का दायरा छूटता नहीं, नापी जाती है देश की खबरों की नब्ज। कोई लाग लपेट नहीं, खबरें सीधी और सपाट, पक्की नजर और थकड़ंदाज। देखिए अनुराग दीक्षित के साथ लाख टके की बात सिर्फ न्यूज नेशन पर। मुद्दों का शोर, हक पर जोर, आपकी बात पूरे हक के साथ। देखिए मेरे साथ डिबेट लाइव सिर्फ न्यूज नेशन पर। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसे चमकेगा आप?